ऑल माई पाकिस्तानी फ्रेंड्स, वो पोर्क बिल्कुल भी नहीं छुएंगे क्योंकि हराम है, पर अल्कोहल भी हराम है, पर छुप छुप के अल्कोहल पिएंगे। देखिए, राहुल गांधी कैन टेक ऑन, इट हैज बीन प्रूवन, वो मोदी को भी ये नहीं कर सकते हैं। मे बी मैक्सिमम वो शायद प्रकाश जावड़ेकर जी के अगेंस्ट रन कर सकते हैं या कोई डिप्टी मिनिस्टर के खिलाफ रन कर सकते हैं, नॉट अगेंस्ट मोदी। भाई रामलला घर आ रहे हैं 1000 साल बाद और आप उनके खिलाफ उनका अटेंशन डाइवर्ट करोगे? भाई कुछ अकल तो होनी चाहिए ना। एंड यू नो इट्स ओके फॉर अ यूट्यूबर टू से दैट इंडियंस आर डर्टी एंड थिंग्स लाइक दैट, बट फॉर अ मिनिस्टर टू लेबल अ होल कंट्री एज बीइंग डर्टी इज नॉट राइट। देखिए, अमेरिका के दो किस्म के एम्बेसडर होते हैं, एक जो बहुत सीरियस टेक्नोक्रेट एम्बेसडर होते हैं जिनके नीचे हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे ही होते रहते हैं, दूसरे होते हैं ये बॉलीवुड हॉलीवुड वाले नौटंकीबाज एम्बेसडर। Hey Abhijit, welcome to the show. Namaste. Namaste Ravya, great being on your podcast. Thank you. चल रहा है आज सुबह मेरा बहुत unfortunate मेरा टांग ट्विस्ट हो गया, but ठीक है, no problem. Okay. So you travel a lot. Where did you travel? I mean, and you travel solo also. You are a traveler. You like to meet a lot of people and you know explore different places, right? You have tapped and explored. काफी सारी ऐसी जगह आपने आप गए हैं जहां पर लोग जाते नहीं है, एज यू वर टॉकिंग टू मी बिफोर आवर कन्वर्सेशन, वेयर और क्या लोग हर जगह इतने एक्सेप्टिंग है? तो क्या होता है कि मैं हमेशा साल में 2 वेकेशन करता हूँ, 2-3 वेकेशन। उसमें 2 तो वो नॉर्मल टूरिस्ट जगह होते हैं जहाँ आप बस जाओ, खाना खाओ, सो बीच पे जाके लेट जाओ या कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखो, पर हर साल मैं 1 वेकेशन ऐसे करता हूँ जो जहाँ कोई जाए ना। और क्यों उधर जाता हूँ? क्योंकि वो एक किस्म से वर्क रिलेटेड भी है। क्योंकि मेरे काम में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पुस्तक पढ़ के ज्ञान देते हैं, वो जियोपॉलिटिक्स थिंग या टॉपिक, वो विजिट नहीं करते हैं उस इलाके को जिसके बारे में वो बात करते हैं। मैं हमेशा उधर जाके लोगों से बात करके आता हूँ, और इसका एक रीजन है, जो लोग मानो अफगानिस्तान गए हैं वो दिल्ली से काबुल का फ्लाइट लिया होगा, काबुल में एक इंटरकॉन्टिनेंटल नाम का होटल है, उसका एक डिस्टिंक्शन है, इट इज द मोस्ट बॉम्ब्ड होटल ऑन अर्थ, उसपे बहुत सारे बार वो पता नहीं हर बार उसी जगह क्यों कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। वो इंटरकॉन्टिनेंटल में जाएंगे काबुल में, और आपको जो वो बताना चाहते हैं, जो गिने चुने लोग क्यूरेटेड जो आपको बताना चाहते हैं कि सरकार आपको क्या सुनाना चाहती है, आप वही सुनोगे और आप वापस आ जाओगे। ये तो कोई विजिट ही नहीं हुआ, ये तो बस उनको इधर बुला लो, वही तुमको बताएंगे। वो इतना ऑथेंटिक एक कॉन्वर्सेशन है जिसका इधर बुखारा और दमपुख्त जो रेस्टोरेंट है ITC मौर्य में, वो आपको ऑथेंटिक इंडियन फूड दे रहे हैं। भाई कोई रान पेशावरी घर पे बना, पहले पेशावरी कोई घर पे बना के खाता है क्या? नहीं। दाल माखनी कितने लोग घर पे बनाते हैं? अब तो मोस्टली ठीक है, आजकल मिक्सी की वजह से ये हो गया है। ये तंदूरी जंबो प्रॉन्स, भाई प्रॉन्स तो हमारे घर में इतने इतने बड़े मिलते हैं, इतने बड़े लॉबस्टर साइज प्रॉन्स कहाँ मिलते हैं? तो ये कहते हैं इंडियन फूड है, ये कहाँ का इंडियन फूड है, कौन घर पे खाता है? सो इट्स वेरी इनऑथेंटिक। उसी की तरह ये जो 5-स्टार में जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं बहुत इनऑथेंटिक होते हैं। आप कंट्री साइड पे नहीं जाते हैं, आप लोगों से बात नहीं करते हैं, और जो लोगों का सोच विचार है वो एकदम अलग होगा जो आप कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं। तो मैं हमेशा 1-2 महीने के लिए ऐसे कंट्रीज में जाता हूँ जहाँ कोई भी टूरिस्ट नहीं जाते हैं, जो वॉर रैवेज्ड है या ऑफ द बीटन ट्रैक है, और मैं हमेशा उधर जाता हूँ। नॉट दैट यू डोंट मेक मिस्टेक्स, आपका दृष्टिकोण फिर एक किस्म से कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। आप फिर वो ऊपरी सरकारी व्यू नहीं देखते हो, आप वो ग्राउंड व्यू देखते हो, विच कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, क्योंकि सरकार ही अल्टीमेटली पॉलिसी डिसाइड करता है। बट एक जो रिचनेस आता है उससे, जो आप जो कम्प्लेक्सिटी आप समझ पाते हो वो आप होटल में बैठ के कभी नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए मैं अजीब अजीब जगह जाता हूँ, जैसे कि नॉर्थ कोरिया या तिब्बत और शिनजियांग या उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, सीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऐसे ऐसे लोगों पे। बट बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर यू नो दे डू नॉट लाइक इंडियंस, इंडियंस को पसंद नहीं करते,
करेक्ट. जैसे कोरिया, साउथ कोरिया, नॉट नॉर्थ कोरिया. ओके, तो साउथ कोरिया में मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है कि इंडियंस के अगेंस्ट काफी रेसिज्म होता है. जैसे देखिए आप, आपको जर्मनी ऑस्ट्रिया में भी काफी से रेसिज्म मिलेगा, पर वो इतना रेसिज्म नहीं है जितना कि वो क्लासिज्म है. यानी कि अगर आप वियना में, आप मेरी तरह बिल्कुल भी ब्राउन हो गए, पर अगर आपने एक किस्म, एक कट के क्लोथ्स पहने, एक क्वालिटी के क्लोथ्स पहने, एक क्वालिटी का पोशाक पहना है, तो आप ओके हैं. अच्छा. आप अपर क्लास है, इसीलिए आप, क्योंकि ऑस्ट्रिया बहुत, वियना स्पेशली बहुत क्लासिस्ट है. ओके. वहां गरीब गोरे लोगों को भी एक किस्म से करके देखा जाता है. अच्छा. बिल्कुल. जो वियना में जो एनुअल ओपेरा बॉल होता है, उसमें जो सबसे अमीर टिकट खरीद सकते हैं 2-3 हजार यूरो के, वो सब वो फ्लोर पे होते हैं, डांसिंग टू द वॉल्सेस. और जो नहीं खरीद सकते हैं, वो बिल्कुल टॉप 4th फ्लोर पे होते हैं, उनको भी फुल पोशाक पहन के आना पड़ता है, बट दे आर नॉट इवन अलाउड ऑन टू द डांस फ्लोर. दैट क्लास बहुत क्लासिस्ट है. मेरे को बहुत अच्छा लगता है वैसे क्लासिज्म, आई लव इट. तो मैं भी जब उधर जाता हूँ, क्योंकि वियना में बचपन में मैं रहता था 3-4 साल उधर, 3 साल, तो जब मैं जाता हूँ, आई नो हाउ टू, कि तू क्या मेरे को सर्टिफिकेट देगा, मैं तेरे को सर्टिफिकेट देंगा. सो यू नो, वन ऑफ द स्टैंडर्ड थिंग्स आई डू जब मैं वियना में पहुंचता हूँ, आई बी लाइक, ये साखर टॉर्टर है, ये तो मैं अपने कुत्ते को भी ना खिलाऊं. ऐसे करके एटीट्यूड देते रहते हो. और जब आप जब एटीट्यूड दोगे उनको, पता नहीं क्या है उस साइकोलॉजी में, वो मानते हैं कि आप थोड़े अपर क्लास है. दे कैन रीड. जैसे हर जगह हिंदुस्तान में, जैसे कि आपके भाषा से ही समझ आता है कि आप लगभग कहां से हो. जैसे दिल्ली वाले को पता नहीं होगा कि अवधी और ब्रज भाषा में क्या फर्क है, पर जो अवधी और ब्रज भाषा के जो लोग हैं, उनको वो डिफरेंस समझ में आता है. ठीक है ना. और देन फर्दर भोजपुरी क्या है और मैथिल क्या है, वो सब डिफरेंसेस. वे वेरी लैंग्वेज सेंसिटिव, डायलेक्ट सेंसिटिव. डायलेक्ट इंदौर, जैसे आई कम फ्रॉम इंदौर, इंदौरी तो आप कभी भी समझ सकते हो कहीं से, आ रही है क्या, जा रही है क्या, इट्स दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज. सो आई कांट मेक दैट आउट. ठीक. बट आई कैन टेल कि डिफरेंट लैंग्वेजेस क्या है. सो आई नेवर कंफ्यूज मलयालम विद से कन्नड़ा और कन्नड़ा विद तेलुगु. तेलुगु एंड कन्नड़ा अ लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज, आई डोंट. बट इंग्लैंड में आप देखोगे कि बहुत रीजनल है, क्योंकि डायलेक्ट हर शहर में बदलते रहता है. तो उसका बहुत एक केयरफुल, बहुत एक क्लास है. जो अपर क्लास प्रोनाउंसिएशन है, क्वींस इंग्लिश जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, आरपी. यानी कि ए राविया, दैट्स सच अ लवली वॉच यू आर वेयरिंग एंड आई लव योर सारी. एंड जब आप कॉकनी हो, जो जस्ट 1 किलोमीटर अवे इन लंदन फ्रॉम द क्वींस पैलेस टू से समथिंग, ये इट विल बी लाइक ओए दैट्स लवली सॉरी ओए. तो उधर जो रीजनल डिफरेंसेस हैं बहुत ज्यादा है. हर 15 किलोमीटर चेंज करते रहेंगे. इधर तो कम से कम 100 किलोमीटर चेंज होंगे, उधर हर 2-3 किलोमीटर में चेंज हो जाता है. क्लास डिफरेंस इज अ रीजनल डिफरेंस. ऑस्ट्रिया में वो बहुत क्लास देखने में बहुत ये है, एंड आई लव इट पर्सनली. सो मेरे को तो बहुत मजा आता है उधर. बट कोरिया में इट इज आउटराइट रेसिज्म दैट यू गेट, कि बस आप इस कलर के हो, आपको देख लिया, आप जनरली वो साउथ एशियन लगते हो, तो आप गंदे हो, आपने जो छुआ साफ करेंगे या शू शू करके. अच्छा, आपने शॉप से निकाल देंगे. सो यानी कि ऑस्ट्रिया में आप भूरे होकर भी आप मालिक बन सकते हो, कोरिया में जब आप भूरे हो आप कुछ भी नहीं बन सकते हो. एमिरेट्स में काफी अलग सा है. तो यूएई में, दुबई में क्या होता था कि क्लब्स में, कि पहले हिंदुस्तानियों को एडमिशन नहीं मिलता था. पर अब देखते हैं, मेजर हिंदुस्तानी जाते हैं अब तो आजकल. तो आजकल तो हिंदुस्तानियों का बहुत मान है दुबई में. तो आजकल क्या होता है, इफ दे नॉट श्योर कि आप हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी हैं, आईडी देखेंगे. अगर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हो, नॉट अलाउड. हिंदुस्तानी हो, चलिए. क्लब्स, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द क्लब्स, क्लब्स की ही बात करते हैं. मैंने एक वीडियो देखा था जहां पर यू नो देयर इज दिस बॉय इन कोरिया जो इंडियन है, वो जाता है क्लब्स में, और कुछ क्लब्स में तो उसको बाहर से
गो फ्रॉम हियर या इशारे करके ही भगा दिया है. और एक क्लब के बाहर तो लिखा हुआ है, देयर इज अ बोर्ड व्हिच मेंशंस दैट इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड इन द क्लब. आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई हैवंट सीन इट, पर मैं आई एम नॉट इवन रिमोटली सरप्राइज्ड. पर इसमें देखिए ये भी है कि जितने भी आप रेसिस्ट मिलेंगे उनसे कई ज्यादा बहुत अच्छे जन भी मिलते हैं उधर. जैसे कि आप देखिए हिंदुस्तान में अगर आप कोई भी ये यू नो द अफ्रीकन स्टूडेंट्स जो इधर आते हैं वो कहीं भी अच्छी लोकेलिटी में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो जो इलाका वो कॉलोनी के अंदर जो स्लम जनरली होता है जैसे शाहपुर जाट या अर्जुनपुर, अर्जुन नगर या हुमायूनपुर, ऐसे लोकेलिटीज में जाने पड़ते हैं. और उधर भी दे गेट ट्रीटेड सो बैडली क्योंकि आप काले हो तो आप ड्रग डीलर हो, आप या तो आप गांजे डी हो या गांजे डील करने वाले हो, या आप गंदे हो और गंदा गंदा खाना खाते हो. ये भी एटीट्यूड देख, बट दैट डजंट मीन ऑल इंडियंस आर रेसिस्ट, राइट? तो ये होता है. आई मीन इट्स जस्ट लाइफ, आई मीन यू डील विद इट. इट डजंट डिटर मी फ्रॉम ट्रैवलिंग. नॉर्थ कोरिया में पर जो हिंदुस्तानियों को जो सम्मान मिलता है, क्योंकि मैं कई सारे गोरे लोगों के साथ गया था, जो गोरे लोग थे, आप उधर कहीं भी बिना गवर्नमेंट माइंडर के जा नहीं सकते हो. अच्छा. उनके लिए गवर्नमेंट माइंडर, मेरे लिए आपको जिससे बात करना है आप जाओ. तो मैं गया एक स्लम के अंदर, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग के अंदर भी स्लम्स हैं. और मैंने जाके बहुत बात किया, कोई भी गवर्नमेंट माइंडर ने आके रोका नहीं. लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, तो एक दो बंदे जो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल सकते थे वो बोल रहे थे. एंड यू नो दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया दैट यू विल नेवर गेट ऑन कैमरा. इफ यू आर अ गोरा आदमी यू विल नेवर गेट. और अगर आप भूरे आदमी हो, आपके पास पैसा नहीं है, और जब पैसा आता है आप या तो स्विट्जरलैंड या फ्रांस जाएंगे, आप नॉर्थ कोरिया नहीं जाएंगे. नहीं जाएंगे. Whereas I found North Korea amazing. फिर एक जगह है उधर माउंट पेक्टू. माउंट पेक्टू की तरह एक सुंदर मैंने एक क्रेटर लेक जिंदगी में नहीं देखा है. अमेरिका का ग्रैंड कैनियन तो बहुत ही घटिया है कंपेयर टू, आई मीन यू शुड कंपेयर प्लेसेस, बट माउंट पेक्टू आप समझ लो कि परफेक्ट, वो जो कार्टून में आप वॉल्केनिक क्रेटर देखने को मिलता है ना, एग्जैक्ट सर्कल, एग्जैक्ट सर्कल है. इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 10-12 किलोमीटर्स वाइड. उसके बीच में परफेक्ट सर्कल पे एक लेक है. वो लेक मालदीव्स, लक्षद्वीप, मॉरिशस से भी सुंदर पानी, एकदम वो एमरल्ड और टर्कोज ब्लू, जहां डीप एमरल्ड नहीं, सैफायर, जो डीप एरिया है सैफायर है, जो शैलो एरिया बिल्कुल टर्कोइज की तरह या लैपिस लजुली ब्लू होता है. और उसके बीच में वो कार्टून की तरह एक आइलैंड है. It's a beautiful lake. It was a truly spiritual experience. मैं बोलूँगा उसे देखने. And you realize why वो उनके लिए एक sacred स्थल माना जाता है, पवित्र स्थल माना जाता है. और जब मैं गया था उधर, जो funicular था जो ऊपर ले जाने के लिए, वो टूट गया था. Okay. And it was a good, you know, 3 kilometer walk up. अब देखिए मैं तो सांड की तरह हूं, मैं तो चढ़ नहीं सकता. वैसे सांड चढ़ जाता है, मैं नहीं चढ़ सकता. तो क्या होता है कि मैंने ट्राई किया, आई वेंट अप अबाउट 1 kilometer. उसके बाद आई वाज लाइक भाई आई कांट, एंड आई केम डाउन एंड आई वाज फीलिंग वेरी अपसेट कि यू नो इतना इंपॉर्टेंट, पूरा कोरिया के नॉर्थ में आया था प्लेन लेके बस इसी को देखने और देखने पाया करके. एंड इट्स इलीगल फॉर यू टू बी विदाउट अ गवर्नमेंट का माइंडर. तो मैं सीधे जो बेस में जो आर्मी कैंप है उसके अंदर चला गया. तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई साइन लैंग्वेज में, तो मैंने बोला वो मेरे को देख बोला ओके. फिर वो जाके अपने कमांडिंग ऑफिसर को कोई फुसफुस फुसफुस किया, और वो कमांडिंग ऑफिसर ने फिर वो उसके सामने ऐसे कर रहा था, उसने मेरे को ऐसे देखा बैठो किया. 10 मिनट के बाद I knew I wasn't in trouble because the standard instruction they give you is India में आप पुलिस से एक किस्म से डरते हो. उधर डरना नहीं चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो सीधे पुलिस के पास चले जाओ, पुलिस या आर्मी के पास चले जाओ. So I knew I wasn't in any trouble, but I didn't know I was going to get full मेहमान नवाजी. तो immediately वो कुछ चाय लेके आए मेरे लिए 10 मिनट के अंदर. लगभग 30 मिनट के बाद एक फुल आर्मी ट्रक आया मेरे को ऊपर ले जाने के लिए. तो nobody had that experience, but I actually sat in a North Korean army truck talking to them the entire, they were all trying to make conversation with me, you know, they were like, oh, they were looking at my clothes and asking, sign language. I mean,
बहुत सारा खो भी जाता है क्योंकि सब कुछ साइन लैंग्वेज में है. बट आई मीन दैट वॉज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस यू नो, एंड इट्स नॉट एन एक्सपीरियंस जो नॉर्थ, सब नॉर्थ कोरिया में समझते हैं कि बस उधर फैमिन है, सब लोग मर रहे हैं, बहुत क्रूएल है, ये है वो है करके. But you know, life goes on. But why they do not like Indians? Like many places, when we are talking about travel, many places are like that. Yeah, Indians ki aisi chavi ban gayi hai. Just Thailand hai, right? They But udhar humne like khud bigada hai na apni chavi. Agar aap jaake dekhenge ki Indian tourists udhar, maine jab dekha hai Indian tourists ko sometimes, I feel really ashamed. Yeah. Jaise jab koi aapko are being nice to you. Ek zamane mein, main to, I've been traveling since I was about 6-7 years old. Pehli baar jab main Bali gaya tha, I was about 8-9, something like that, I forget now. Agar aap Hindu from India the, aapko seedhe 50-60% discount de dete the. Bina, and you know, it was list price se, bina negotiate kiye, wo de dete the. You're talking about which place? Thailand? Bali. Bali, okay. Thailand, I still went only about maybe 20-21 years back, kyunki anyway, for whatever reason, Thailand I went very late in life. To the point now where they hate Indians coming out there. Yes, kyunki we are very irritating, we make a lot of mess, we're very rude, we don't want to eat local food. We don't treat the locals very well either. And it's become a sort of, jise kehte hai na, mutually antagonistic relationship ban gaya hai. To ek toxic cycle ban jata hai na, ki kuch galat ho gaya, phir mera attitude aapke saath hamesha hostile rahega, aapka attitude bhi hostile ban jayega. Uske baad jab bhi hum baat karenge, bilkul hostility se hi shaadiyan bhi aise hi kharab ho jati hai na. To wo ho gaya hai. Thailand mein bhi yahi hua hai. नेटिव रेसिज्म नहीं था, 20 साल पहले भी रेसिज्म नहीं था, पर आजकल काफी सारा देखता हूं. ठीक है, और वो भी टेम्पर्ड है, यानी कि अगर आप 5-star में रह रहे हो, आपको वो रेसिज्म देखने को नहीं मिलेगा. वो भी सेंस कर पाते हैं कि अगर आप टूर ग्रुप में आ रहे हैं, आपको बहुत रेसिज्म मिलेगा. पर अगर आप खुद गाड़ी लेके लोकल गाइड के साथ, और वो देखते भी हैं कि आप लोकल गाइड को ट्रीट कैसे कर रहे हो. सो यू नो, फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया या बाली जाए, मेरे उधर सेट ड्राइवर्स हैं जो साल में एक बार मैं ग्रीटिंग्स भेजता हूँ उनको. वो हमेशा लेने आते हैं, वो हमारे साथ ही टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे. We also see how you're treating their people. और जब आप एक लोकल, we don't do that. See, we're like, ये मेरा ड्राइवर है, ये मेरा नौकर है, तू मेरे साथ नहीं बैठेगा, तू उस टेबल पे बैठ, उधर स्पेशल ड्राइवर के लिए सीटिंग है, तू इधर नहीं आके बैठेगा. ठीक है ना, तो एंड दे सी दैट. And then of course, कि Indian tourists कई सारी जगह कि ये attitude होता है ना, आप मेरे को serve कर रहे हो, इसलिए आप मेरे नौकर हो. वो भी होता है. So you know, there is a toilet dry नहीं रखते. This is one of the big complaints I get everywhere. कि आप a lot of Indians कि देखिए, थाईलैंड बाली में भी वो health faucet है. ठीक है, पर वो पूरा bathroom को गीला नहीं करते हैं. Correct. यार, इसका भी एक एटिकेट होता है ना, तो आप कम से कम कमरा तो साफ करके रखो. ये क्या कि पूरा चीज गंदा कर देते हो वो. पर आप नोटिस किया है, साउथ ईस्ट एशिया में आप कहीं भी जाएंगे, जो बेसिक क्लीनलीनेस होता है बहुत हाई होता है, हाइजीन भी बहुत हाई होता है. इंडिया में उतना नहीं होता है. यू नो, इवन पर्सनल क्लीनलीनेस इज वेरी बैड एट टाइम्स. जैसे सिंपल थिंग, हम जब राम मंदिर गए थे अयोध्या, जब रामलला टेंट में थे, अब तो मंदिर बनने वाला है, पर हम गए थे उधर. जिस बस में हम गए थे और वापस आए, ये दीज यू नो, दे पीपल लाइक अस, दीज आंट फ्रॉम अ लोअर क्लास और एनीथिंग लाइक दैट. पूरे बस का ये, उनको पीना था या पहले तुम एक पवित्र जगह पे जा रहे हो, पी क्यों रहे हो, फिर उसके साथ स्नैक्स फैक्स खाना है, ये सब. नाउ इट इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल टू हैव स्नैक्स एंड थिंग्स लाइक दैट, देन थ्रोइंग द रैपर्स देयर इटसेल्फ. रैपर्स छोड़ो, रैपर्स छोड़ो, पीनट्स को भी जो विदाउट, आई मीन, यू हैव गॉट अ प्लास्टिक बैग देयर स्पेसिफिकली टू पुट योर
garbage into nahi niche fek. Yeah, you know, it disturbs me. And you know, और जब फॉरेन लोग इसका वीडियो बनाते हैं कि इंडियन ढाबे कितने अनहाइजीनिक होते हैं या ये होते हैं, हम गुस्सा जाते हैं कि भाई आप रेसिस्ट हो. मोदी ने स्वच्छ भारत क्यों चलाया था कि हर चीज स्वच्छ रखो. इट्स नॉट जस्ट टेकिंग अ झाड़ू एंड गोइंग आउटसाइड ना, इट्स हैविंग दैट बेसिक सिविक सेंस. नहीं कुछ नहीं है. एंड इनफैक्ट यू नो वन ऑफ द थिंग्स आई हैव सीन, ये आई बिकेम जनरली क्वाइट क्लीन. One thing where you can never be totally clean is अगर आप सिगरेट पीते हो, क्योंकि सिगरेट आप कहीं रोड पे लाइट अप करते हो और फिर इमीडिएटली वो नहीं होता है. एंड यू जस्ट, एंड दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड, इट्स नॉट अ कल्चरल स्पेसिफिक रीजनल स्पेसिफिक थिंग. और तेहरान में मैं सुट्टा मार के मैंने नीचे फेंक दिया था कहीं, एंड कोई मेरे पीछे से आया और उसने टक टक किया, उसने मेरा सिगरेट का बट कुछ बोला नहीं, बस ऐसे हाथ में you know, you feel very embarrassed when it gets called out, but गलती की है. He had every right to call me out. He did it in a very polite way. Yeah. कोई गाली फाड़ी नहीं दी. And you know, since then, even with my cigarette butts, okay. Now though I don't smoke anymore, but जब मैं करता था, I was very careful even with my cigarette butts after that. When जब हम travel की बात कर रहे हैं. Right, so let's talk about the latest controversy on the India-Maldives wala jo controversy hai. Bahut sare Indians ne apne travel trips cancel kar diye because of this controversy. And what do you have to say? Kya impact hua hai because of you know India Maldives ka jo bhi abhi controversy hua hai. Dekhiye, pehli baat to ye hai, full disclosure, conflict of interest because I'm going sometime in August September to Maldives wo tiger shark dive karne ke liye. I love shark dives. तो उधर जाके मैंने एक local island, it isn't a resort or anything, उधर जाके tiger shark dive करना है मैंने. That said, देखिए ये जो गलती हुई है ये पूरे मालदीव्स के साइड से हुई थी. Correct. क्योंकि भाई हमारे ट्विटर में कोई कुछ बोलता है उधर मंत्री को सीरियसली लेने के लिए क्या जरूरत है. यानी कि राविया ने कुछ बोल दिया और अभिजीत ने कुछ बोल दिया, इज दिस समथिंग मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दैट हैपेंस आउट देयर. वहां से जो कमेंट्स आए हैं मिनिस्टर्स से, वेरी रेसिस्ट, आउटराइट रेसिस्ट. And you know, it's okay for a YouTuber to say that Indians are dirty and things like that. But for a minister to label a whole country as being dirty is not right. पर वो हुआ है. और फिर गवर्नमेंट ने बस ऑफिशियल लाइंस पे प्रोटेस्ट किया है. ठीक है, वो मंत्री सस्पेंड हुए हैं पर सस्पेंड नहीं हुए हैं क्योंकि वो जाके अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज तो कैरी आउट कर रहे हैं. कल या परसों भी वो दो जो लेडी मिनिस्टर्स थे उन्होंने जाके कोई साइट का इंस्पेक्शन किया था, तो वो भी यू नो देर एक्टिंग टू स्मार्ट बाय हाफ. सस्पेंशन क्या होता है यार मिनिस्टर के, या तो सैक करो या तो नहीं करो. सस्पेंडेड हैं और आके अपनी फुल पब्लिक ड्यूटीज निभा रही हैं, ये तो कोई सस्पेंशन ही नहीं हुआ. और आज मुइजू ने वापस आके बोला है कि यू नो इट्स doesn't leave any guesswork. नाम नहीं लिया उन्होंने पर बोला है कि जो हिंदवी महासागर है वो एक देश का नहीं है और कोई भी हमको बुली नहीं कर सकता. yes. हमने बुली किया था क्या उनको? नहीं किया था. ठीक है, करने दो. देखिए ये मुइजू जैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें हम अंग्रेजी में डेमागॉग्स कहते हैं. यानी कि बात बहुत करते हैं, लोगों को उत्तेजित करते हैं पर डिलीवरी उनका जीरो होता है. राइट right. ठीक है ना. जैसे गरीबी हटाओ, ओके गरीबी हटाओ हटाओ नारा लगाया आपने इलेक्शन में, गरीबी हटा कुछ नहीं हुआ. ठीक है ना, क्यों नहीं हुआ? वो अमरीकी साजिश थी. okay. तो यहां भी ये मुइजू यही कर रहा है. इसका कुछ प्रोग्राम चलने वाला नहीं है और फिर वो हिंदुस्तान पे ब्लेम डालेगा कि तुम लोगों की वजह से कुछ नहीं हुआ. ऐसे लोग ना होते रहते हैं. यू कांट डिटरमिन फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन पीपल लाइक दैट. देखिए हर बंदे के घर के बाहर भी एक ये वो चुड़ैल आंटी होगी या वो घसूड बुड्ढा होगा
जो बोलेगा है पता है वो सब ये स्ट्रीट इतना अच्छा था जब वो मोटा गंजा आ गया तभी तब से ही वो सब कुछ ये हो. यू डोंट लेट दैट लेट योर लाइफ रिवॉल्व अराउंड इट. नो यू लाइक ठीक है बूढ़ा सटिया गया या बुढ़िया सटिया गई है रहने दो. And you move on with life. So, you know, I don't think we should dwell too much on this. Maldives isn't that important. Yeah. Anyway, so let it be. But is dispute ki wajah se Maldives ke relation par India ke saath kya farak padega? What will be the impact later? देखिए इम्पैक्ट तो मैं सच सच बता रहा हूँ मालदीव्स उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं कि ज्यादा कुछ इम्पैक्ट करने के लिए. ये ना आपका वो पुराना बैंक अकाउंट है जो आपने स्टूडेंट के टाइम पे खोला था जो आप भूल गए जिसमें अभी 2,000 रुपए पड़ा हुआ है और आपको नोटिस आता है आपको इमीडिएटली 8,000 और लगाने पड़ेंगे उसको 10,000 तक ले आने के लिए नहीं तो फिर बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा. भाई बंद ही कर दे तू 2,000 गया तो गया मेरी तो टैक्सी लेके उधर आने की ही ये नहीं है जितना पेट्रोल डालना है मेरे खुद के गाड़ी में. इट्स नॉट इवन वर्थ दैट एंड यू लेट दैट अकाउंट लैप्स. इट्स लाइक दैट. सो यू सी इट इज अ कंप्लीटली इररिलेवेंट अनइंपॉर्टेंट कंट्री रियलिस्टिकली. चाइना अगर मिलिट्री बेस खोलेगा उधर खोलो खोलो इट्स नो बिग डील. आप खोलो इनफैक्ट यू नो अगर वो चाइना के साथ पास जाना चाहते हैं देखिए चाइना बिच्छू की तरह है हिंदुस्तान कुत्ते की तरह है. अगर आप कुत्ते को अच्छी तरह से खाना दोगे पालोगे पोसोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ. दूसरों को काटेगा पर आपको कभी नहीं काटेगा. यू नो मार्क ट्वेन जो बहुत मशहूर अमेरिकन ऑथर थे वो बोलते थे द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ डॉग इज इफ यू गिव वन ऑफ देम अ हाउस एंड फीड देम दे विल नॉट बाइट यू. यानी कि कुत्ता नहीं करेगा इंसान करेगा जरूर. और नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे गिरिजा प्रसाद कोइराला है वो बोलते थे कि नेपाल के ऊपर और नीचे दो कुत्ते रहते हैं. जो हमारे ऊपर जो कुत्ता रहता है वो भौंकता नहीं है पर जोर से काटता है और जो हमारे नीचे जो कुत्ता रहता है वो भौंकते रहता है पर काटता नहीं है. ठीक है ना. दैट इज अ गुड रेपुटेशन टू हैव. दैट्स नॉट अ बैड रेपुटेशन टू हैव बिकॉज जो काटने वाला कुत्ता होता है उसी के पीछे एनसीडी आ जाता है उसको पुट डाउन करने के लिए. तो मालदीव्स आई विश चाइना अपॉन देम. चीन वो बिच्छू की तरह है. बिच्छू को आप जितना भी खाना देंगे वो आपको डसेगा ही. ठीक है ना. कोई ये नहीं है. चीन एक बिच्छू है. आप जितने भी उसके निकटतम करीबी रिश्तेदार भी होंगे आपको डसेगा. हिंदुस्तान उसका बेस्ट फ्रेंड था टिल दे इन्वेडेड अस इन 1962. ठीक है. ऐसे एक देश बताइए उनके पेरिफ्री में जिसके साथ उन्होंने जंग ना लड़ा हो. दे हैव फॉट विद एवरीवन इन देयर नेबरहुड. दे हैव एंटागनाइज्ड एवरीबॉडी इन देयर नेबरहुड. और जब लैंड डिस्प्यूट सब खत्म हुई तो सब नेवल डिस्प्यूट शुरू कर दिया उन्होंने. ट्रू. ठीक है. तो आप देखिए देख लीजिए कि चीन के दोस्तों को भी क्या होता है. श्रीलंका को क्या क्या हुआ था वो चाइनीज डेट के वजह से पूरा डिफॉल्ट हो गया. बांग्लादेश को बांग्लादेश नहीं कौन पाकिस्तान को देखिए. पाकिस्तान तो अब पूरा भिखारी देश है. एक जमाने में आई डोंट थिंक हमारा नया जनरेशन जानता है पर एक जमाने में पाकिस्तान अमीर देश होता था और हिंदुस्तान गरीब देश होता था. एक बहुत 1980s का कार्टून है जहां एक बार्ब्ड वायर फेंस के साइड पे दो कुत्ते बात कर रहे हैं. एक पाकिस्तानी कुत्ता और एक हिंदुस्तानी कुत्ता. पाकिस्तानी कुत्ता मोटा है हिंदुस्तानी कुत्ते के रिब्स दिखाई दे रहे हैं. और हिंदुस्तानी कुत्ता बोलता है कि मैं जितना चाहे भौंक सकता हूं पर मेरे को खाना नहीं मिलता है. और पाकिस्तानी कुत्ता बोल रहा था मेरे खाने का प्रॉब्लम नहीं है पर मैं बिल्कुल भौंक नहीं सकता हूं. अब देखिए कितना रिवर्स हो गया है. पाकिस्तानी कुत्ता को खाना भी नहीं मिल रहा और उसके हड्डी दिखाई दे रहे हैं. हिंदुस्तानी कुत्ते को खाना भी मिल रहा और वो जितना चाहे भौंक भी सकता है. सो अ लॉट हैज चेंज्ड सिंस देन. आप चीन के देखिए चाइना उस हिंदुस्तान उस माँ की तरह है जो जब आके बोलते हैं मम्मी मेरे को ना BMW गाड़ी चाहिए और मम्मी बोलेंगी नालायक काय का मैंने तेरे को पैदा करके रखा था खुद कमा ये कर वो कर करके गुस्सा आएगा पर मम्मी हमारे बारे में ही सोच रही है कि बेटा तो अच्छा ही सोचती है पहला तो. हाँ एग्जैक्टली.
चाइना उस तरह की स्टेप मदर है. स्टेप मदर को क्या कहते हैं हिंदी में? सौतेली माँ है. हाँ. जो जब जाके मम्मी को बोलोगे, हाँ. मम्मी मेरे को ना BMW गाड़ी दिला दो. अरे बेटा मेरा लाल BMW काय का, तेरा इतना ही पैसा है बैंक में और लोन लेके पूरा रोल्स रॉयस ही खरीद लेना. एंड शी विल डिस्ट्रॉय यू. यू लुक एट एवरी जो भी इन्वेस्टमेंट चाइना का हुआ है अब तक. आप जाके उन प्रोजेक्ट्स पे, हमने कितनी बार पूछे इंट्रा गवर्नमेंट लेवल पे कि आप इसका हमारे को एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दे दो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस दे दो. कुछ भी नहीं है. दे आर ऑल इन्वेस्टमेंट्स जो फेलियर करने के लिए ही इन्वेस्ट किया गया है. और ये चाइना का बहुत ये बैड इन्वेस्टमेंट्स का जो प्रॉब्लम है, अमेरिका का दूसरा प्रॉब्लम है कि वो एक डेट बेस्ड सोसाइटी है. Correct. कि को पैसा नहीं है पर पैसे होने का दिखावा है. तो अगर आप देखेंगे टेक्निकली अभी अमेरिका का पर कैपिटा इनकम कोई 50-60,000 डॉलर्स पर कैपिटा है. टेक्निकली अगर आप वो डेट को ये करेंगे, द इनकम इज लेस देन हाफ ऑफ व्हाट इट शुड. और ये पैसा कहां से आ रहा है यार? पैसा तो आसमान में नहीं बनता है ना. इट हैज बी मेजर्ड अगेंस्ट समथिंग. चाइना इज डिफरेंट. उनके पास एक्चुअल पैसा है जो उन्होंने बर्बाद करके रखा है बहुत घटिया घटिया इन्वेस्टमेंट्स में, जिनका कोई रिटर्न हो ही नहीं सकता है. तो ये ना इट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन अनदर विजय माल्या कंपनी. इफ यू वॉन्ट टू डू दैट, कंग्रेचुलेशंस टू यू, आई विल नॉट. तो बट ये जो ये कॉन्ट्रोवर्सी जो है मालदीव्स की, सॉरी टू कट यू, इज दिस बिकॉज ऑफ द, ये इस वजह से जो आप कह रहे हैं चाइना का, यू नो, प्रो चाइना लीडरशिप जो वो अपना रहे हैं उसकी वजह से? नहीं, इसमें देखिए, एक जो मेक्सिको के एक राष्ट्रपति थे बेनितो हुआरेज, वो कहते थे कि यू नो मेक्सिको की ट्रेजेडी है कि वो भगवान से इतना दूर है और अमेरिका के कितने करीब है. ये देखिए, जब भी एक बड़े देश के बगल में छोटे छोटे देश होते हैं, उनको एक एनिमोसिटी होता है बड़े देश के खिलाफ. आप भी देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आंतिला जो बना है मुकेश भाई अंबानी के लिए, आप उनके कोई भी नेबर से जाके पूछ लीजिए कि आपका मुकेश भाई अंबानी का क्या ओपिनियन है, वो सब मुकेश भाई अंबानी को गाली देंगे. क्यों? फॉर नो रीजन. मुकेश भाई ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है. एक बोलेगा, देखो भाई इतना बड़ा आंतिला आ गया है, हमारा सूरज चोरी कर लिया. दूसरे बोलेंगे, देखो जब से ये मुकेश भाई इधर आए, इधर ट्रैफिक जैम ही ट्रैफिक जैम लगते रहता है. कुछ ना कुछ इन्वेंट करके ही, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा इतना छोटा सा एक वन बेडरूम का बंबई का घर है और मेरे पास में ये आंतिला 56 फ्लोर्स का बना है, वो एक जेलसी आता है. तो मुकेश भाई ने उनके लिए कुछ भी गलत नहीं किया होगा, इनफैक्ट क्वाइट द रिवर्स. स्टेट सरकार डर के मारे उधर 24/7, अगर बाकी मुंबई में भी इलेक्ट्रिसिटी गया होगा, इधर इलेक्ट्रिसिटी आते रहेगा करके देखा होगा. बाकी मुंबई में पानी चला गया होगा पर इधर पानी आएगा. बाकी मुंबई में ट्रैफिक जाम होगा पर मुकेश भाई के घर के बाहर ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, देखा होगा, पर फिर भी दे विल ब्लेम हिम फॉर एवरीथिंग. It is like that. आप भी देख लीजिए, I am sure there are one or two neighbors of ours also who at some point of time we felt jealousy about. और जितना वो difference ज्यादा होते रहता है size का या wealth का, उतना वो hatred और jealousy ज्यादा बढ़ते रहता है. अब देखिए, बांग्लादेश में से ये आना बंद हो गया. क्यों? क्योंकि बांग्लादेश हमारे को per capita income और GDP में overtake कर चुका है. तो बांग्लादेश का बनता ही नहीं है कि पॉइंटलेसली एंटी इंडिया बनो करके. ठीक है ना? इसी वजह से पर पाकिस्तान है अभी भी एंटी इंडिया. श्रीलंका था टिल दैट ब्रेकडाउन हैपेंड एंड दे रियलाइज्ड इंडिया इजंट दैट बैड आफ्टर ऑल, कि इंडिया ही हमारी ठीक से मदद कर रही थी और चीन ने हमारा भांडा फोड़ दिया था. मालदीव्स इज नॉट लाइक दैट. मालदीव्स इज एक्चुअली वेरी रिच. मालदीव्स, अगर आप सार्क देखोगे, मालदीव्स का सबसे हाई पर कैपिटा इनकम है, पर वो फिर भी हिंदुस्तान को ब्लेम करते रहते हैं हर चीज के लिए. क्योंकि उधर पॉलिटिक्स में देखिए, अगर आपका सब चीज मिल गया है तो आपको एक नया एनिमी इन्वेंट करना पड़ेगा कोई ना कोई वोट लाने के लिए. हिंदुस्तान को ब्लेम करो, चीन बहुत दूर है, चीन को ब्लेम नहीं करेंगे जब तक वो डेट ले लेके मर ना जाएंगे. तो उनका भी वही होने वाला है जो श्रीलंका का हुआ था. आप देखते रहिए.
अगर हम कंसिडर करें कि मालदीव्स का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है विच इज इन इंडियन ओशन, राइट, सो और इंडिया अच्छे पार्टनर्स थे विद मालदीव्स बिफोर दिस कॉन्ट्रोवर्सी, लेकिन इस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से क्या इंडिया के नेवल और बिजनेस पे फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर ताज उधर दो रिजॉर्ट्स ओन करता है, ठीक है ना, ये सब बोले जा रहे थे कि भाई देखो जो वेस्टर्न टूरिस्ट आते हैं वो पर कैपिटा स्पेंडिंग है $2,250, वेयर इज जो एवरेज इंडियन आता है $750 ही स्पेंड करता है. आप कोई भी टूरिज्म रिसर्च इंस्टीट्यूट पे चले जाइए, दे विल टेल यू द लोअर द डिस्पोजेबल इनकम एंड लोअर द स्पेंडिंग, हायर लोकलाइज स्पेंडिंग होता है. जो 750 एक हिंदुस्तानी डॉलर जो एक हिंदुस्तानी रोज उधर स्पेंड करता है वो पूरा का पूरा मालदीव्स में ही रिटेन होता है. जो वेस्टर्नर जाके रिट्स कार्ल्टन या हायट या मैरियट रिजॉर्ट में जाके $2,250 प्रति रात स्पेंड करता है, उसमें से मैक्सिमम $200-$300 मालदीव्स में रहते हैं, बाकी $2,000 पूरे के पूरे वापस अमेरिका या जर्मनी या जो भी होटल ओनिंग चेन है उधर चला जाता है. तो अगर मालदीव्स उसी हाई इनकम टूरिस्ट का देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उन्हीं की इंतजार करते रहिए. वैसे भी अभी राइजिंग सी लेवल के वजह से पता नहीं आपका देश कितने देर अफ्लोट रहेगा, और उन्हीं को उन्हीं से आप जब आपका देश डूब रहा होगा उन्हीं से मदद मांग लीजिए, आपको जर्मनी का वीजा मिल जाएगा, अमेरिका का वीजा मिल जाएगा, जहां जाना है आप जाओ जी. पर उस टाइम इधर आके भीख मत मांगना. That's a big statement. But I'm very clear about this. Yeah. If that is the attitude you have, don't come and beg later on for our charity. देखिए भिखारियों को अपनी औकात थोड़ी ज्यादा नहीं, जैसे हम भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि भिखारी को बोले कि चल फुट यहां से. थोड़ा सबके साथ थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करो. भैया नहीं है बट अगर भिखारी ने आके बोला ए चल निकाल रे, देन यू आल्सो गिव बैक एटीट्यूड. करेक्ट, बहुत अच्छी बात है. अमित, दिस लक्षद्वीप मालदीव्स लक्षद्वीप रो जो चल रहा है, इंडिया के टूरिज्म पर क्या असर होगा? देखिए अभी तो टूरिज्म पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने बुकिंग कर रखा है बहुत सारे नॉन कैंसिलेबल नॉन रिफंडेबल बुकिंग है, और बहुत लोगों ने यू नो बहुत चाह के, क्योंकि मालदीव्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू गो टू, करके किया होगा. करेक्ट, बट इसका जो लॉन्ग, आई रिमेम्बर जितनी नई शादियां होती है, आई थिंक द न्यूलीवेड्स आर ऑलवेज गोइंग टू मालदीव्स. बीच में तो ये ट्रेंड ही था. ट्रेंड ही है, अभी भी होगा. करेक्ट, अभी 2-3 साल के लिए रहेगा. द थिंग इज कि हमारे पे भी इम्पेरेटिव है कि हम नए वेन्यूज क्रिएट करें. तो एंडमैन्स लक्षद्वीप जो है उनको ठीक तरह से खोलना है. उनका देखिए बहुत सारे इकोलॉजिकल मॉडल्स हैं. बहुत लोग बोलते हैं कि लक्षद्वीप को आप खोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये इकोलॉजिकली, देखिए इकोलॉजिकली सेंसिटिवली भी डेवलपमेंट हो सकता है. जैसे जो CGH अर्थ ग्रुप है, उन्होंने पहला जब राजीव गांधी ने पहले लक्षद्वीप को पब्लिसिटी दिया था 84 या 85 में जाके, तब एक ही आइलैंड खुला था, उसका नाम था बंगारम लक्षद्वीप में, और सब ने उसके लिए एक बिड दिया था. ओब्रॉय ने दिया था, ताज ने दिया था, सब ने दिया था. CGH उन दिनों में कोई भी जानता नहीं था. CGH को मिला क्योंकि उन दिनों में जब इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की नाम भी नहीं था कुछ. उन्होंने बोला कि हम इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एक रिजॉर्ट बनाएंगे ताकि जब हम आए और 20 साल बाद जब हमारा लीज खत्म होगा और हम जाएं, कुछ भी उस आइलैंड पे नहीं बचेगा जो हमारे आने से पहले नहीं था. जितना ग्रीनरी था उतना ही ग्रीनरी रहेगा, जो कचरा आया था वो कचरा निकलेगा. और इसी वजह से ये आइलैंड टूरिज्म बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि कचरा जो उधर जाता है वो आप उधर ही दफना नहीं सकते, उसको वापस मिलना, तो आपको भी वापस लेना आना पड़ता है और पूरा का पूरा कचरा भी वापस ले आना पड़ता है. सो सी देयर वेरी एक्सपेंसिव काइंड ऑफ टूरिज्म. एंडमैन इज लाइकली different because a much bigger island. तो इसमें भी बहुत सारे models हैं, जहां आप एक द्वीप को
पूरा का पूरा टूरिस्ट डिक्लेयर करें या मिक्स्ड यूज डिक्लेयर करें कि एक साइड टूरिस्ट है और एक साइड टूरिस्ट नहीं है. और उसमें भी यू नो हिंदुस्तान में बहुत फालतू के चर्चे होते हैं. फालतू के चर्चे माने क्या, देखिए हिंदुस्तान में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, ठीक है. ट्रू. अब प्रोटीन डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. आप एक प्योरली वेजिटेरियन एक टैबलेट भी दे सकते हो, प्रोटीन सप्लीमेंट टैबलेट, मल्टीविटामिन प्रोटीन सप्लीमेंट टैबलेट जो आप ले लो, ठीक है. जो बॉडी बिल्डर जो प्रोटीन, शाकाहारी बॉडी बिल्डर जो प्रोटीन खाते हैं वो बहुत महंगा है, बट यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ प्रोटीन टैबलेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट विच वर्क वेरी वेल. नॉर्थ कोरिया जो मैंने देखा था वो हर बंदे को एक 200 मिलीलीटर टेट्रापैक सोया मिल्क दिया जाता है, बट दैट लीड्स टू इस्ट्रोजनेशन. सोए हैज मैसिव इस्ट्रोजनेशन इफेक्ट, सो इसीलिए वे प्रोटीन खाना चाहिए करके बोलते हैं. एंड देर आर अदर मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग दिस थिंग ऑल्सो. अब प्रॉब्लम क्या है इस पूरे इसमें, ऑपोजिशन के तहत अंडा ही दिया जाना चाहिए. क्यों यार, आपको प्रोटीन देना है या अंडा देना है? प्रोटीन देना है ना, सो फाइंड अ नॉन ब्रेकेबल नॉन स्पॉइलेबल वे ऑफ डिलीवरिंग दैट प्रोटीन. हम एंड रिजल्ट के बारे में नहीं देखते, वो पूरा पॉलिटिक्स वो डिलीवरी के इस पे देख लेते हैं. तो इसमें भी ये है कि यू नो वे नॉट लुकिंग एट हमको एंड रिजल्ट क्या है. लक्षद्वीप में क्या है, आपने बीफ नहीं अलाउ किया है, ठीक है, और आपने अल्कोहल अलाउ कर दिया है. मैं वही जब राजीव गांधी गए थे उसके चंद साल बाद ही हम गए थे, क्योंकि ये पूरा सब आ गया था इंफ्रास्ट्रक्चर उधर, और एक या दो बोट्स थे, एक था टिप्पू सुल्तान, हम टिप्पू सुल्तान पे गए थे उधर ये करने के लिए. उधर तो आप गाय की तो बात ही छोड़िए, उधर बकरा भी छोड़ दीजिए, चिकन मिलने भी मुश्किल होता था, बस मच्छी ही मिलता था उधर. उधर आप आइलैंड का साइज देख लीजिए, गाय अगर आप उधर ले जाओगे एक हफ्ते में पूरा का पूरा हरा ये खाया जाएगा वो. देयर वाज नो बीफ आउट देयर. तो 20 साल में कैसे बीफ का कल्चर बन गया उधर? बट बीफ का कल्चर था, आपने हमारा कल्चर बिगाड़ दिया है, ठीक है. अल्कोहल नहीं भाई, टूरिस्ट तो अल्कोहल, वो शाकाहारी भी हो सकते हैं पर अल्कोहल तो पीना ही है उनको. हमारे कल्चर में अल्कोहल थोड़ा वो छिपा हुआ ये है, उतना भी खराब नहीं है. बट सो फॉर एग्जांपल ऑल माय पाकिस्तानी फ्रेंड्स, वो पोर्क बिल्कुल भी नहीं छुएंगे क्योंकि हराम है, पर अल्कोहल भी हराम है, पर छुप छुप के अल्कोहल पिएंगे. सो अल्कोहल इज वन ऑफ दोज कल्चरल थिंग्स जो ऑलमोस्ट अलाउड हराम है, यानी कि उसका उसका पीने का पाप उतना पाप नहीं है, अपनी सहूलियत के हिसाब से. हाँ, ट्विस्ट किया हुआ है, ट्विस्ट किया हुआ है. तो पर अल्कोहल अलाउड नहीं. यू नो हमारे देश में जो कॉन्वर्सेशंस इतने लो लेवल के फालतू कॉन्वर्सेशंस होते हैं ना, आई थिंक वो व्हाट इज द टर्म फॉर इट, आई हिंदी में बहुत सुंदर सा एक टर्म था फालतू लोगों के लिए, जॉबलेस लोगों के लिए. हमारे इधर ये नहीं, कुछ एक वेरी नाइस टर्म फॉर इट, आई फॉरगेट, बट ये फालतू बातें करने की जो क्षमता है हमारे में, वेले, हाँ वेले वेले, हाँ हमारे इधर ये वेले लोग, वेले लोग वेले बात, ओके वेली बातें, वेली बातें. हाँ देखिए ये पुल्लिंग श्रीलंका, इसीलिए मैंने जर्मन सीखना छोड़ दिया था और हिंदी सीखना भी छोड़ दिया, ये पुल्लिंग श्रीलंग, आई कांट डू दिस पुल्लिंग श्रीलंग. हाँ ओके, चलिए बात करते हैं अबाउट द न्यू अलायंसेस इन इंडिया, जो नए अलायंसेस बने हैं. फॉर आवर ऑडियंस क्या आप बता सकते हैं, लाइक व्हाट इज द इंडी अलायंस, ये क्या है? देखिए अगर इंडी अलायंस खुद ही बोल सके ये बहुत बड़ी बात है. आई डोंट थिंक दे देमसेल्व्स नो व्हाट दे आर. देखिए मेरे, मैं तो मोस्टली, आज आपने वो देखा वीडियो ऑफ राहुल गांधी इन द फ्लाइट, या वो सब नाराबाजी कर रहे हैं उसमें देख लीजिए, उन्होंने 3 फ्लाइट चार्टर करके रखे हैं. कितने सारे उसमें वेकेंट सीट थे, टेक्निकली यू कुड हैव डन इट इन 2 If you had compressed the 2 flights, but no, वो भी नहीं किया. 3 फ्लाइट ले जाना था. और आपने नाराबाजी इसमें क्यों शुरू किया? कितने लोग आपको सुन रहे हैं? 15 लाख का, 15 से 20 लाख का एक फ्लाइट है. क्योंकि
अयोध्या मंदिर की वजह से जो भी अब वो फ्लाइट्स के बता रहे हैं कि इतने लोग जा रहे हैं और ना फ्लाइट्स में लोग, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियो सुबह से जिसमें फ्लाइट्स में लोग जय श्री राम का नारा। इनफैक्ट मैं भी जब दिल्ली में आई कितनी सारी फ्लाइट्स में, मतलब मेरी फ्लाइट में भी जय श्री राम। तो देखिए अगर मैं अभिजीत अय्यर मित्रा, अगर एक, वैसे मैं अपने आप को ना ही तो मर्द मानता हूँ ना ही तो औरत मानता हूँ। मैं जब सुबह उठता हूँ मैं अपने आप को एक औरत मानता हूँ, दोपहर के टाइम मैं अपने आप को एक विद्वान मानता हूँ, शाम के टाइम को मैं अपने आप को एक मर्द मानता हूँ, रात के टाइम पे मैं अपने आप को एक किन्नर मानता हूँ, रख लीजिए। आई एम जेंडर फ्लूइड दैट वे, आई एम बीइंग फैसिशियस ऑफ कोर्स, but I play this up anyway. अब जब ये सब है, अगर मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट एंट्रेंस किया, देखिए इंटरनेशनल मोटे लोगों का ब्यूटी कॉन्टेस्ट, मिस्टर फैट इंटरनेशनल पे अगर मैंने एंट्रेंस किया, आप मानेंगे कि ठीक है बंदा को अपनी औकात की पहचान है। पर मैंने अगर मिस राविया के खिलाफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में एंटर किया कि भाई मेरे को कौन प्राइज देगा, कुछ औकात की भी ये होनी चाहिए ना। देखिए राहुल गांधी कैन टेक ऑन, इट हैज बीन प्रूवन, वो मोदी को भी ये नहीं कर सकते हैं, मे बी मैक्सिमम वो शायद प्रकाश जावड़ेकर जी के अगेंस्ट रन कर सकते हैं या कोई डिप्टी मिनिस्टर के खिलाफ रन कर सकते हैं, नॉट अगेंस्ट मोदी। अब मोदी की बात तो आप छोड़ दो, वो रामलल्ला के खिलाफ कैंपेन लड़ेंगे, भाई रामलल्ला घर आ रहे हैं 1000 साल बाद, और आप उनके खिलाफ उनका अटेंशन डाइवर्ट करोगे, भाई कुछ अकल तो होनी चाहिए ना। आई मीन बुद्धू, इतना भी बुद्धू नहीं होना चाहिए कि बिना भाई, सर पैर वाली बात। I'm just thinking about it and going, this isn't even stupidity, it is suicide. Yeah. You know, पर ठीक है करने दीजिए। See, this is the tragedy of the India Alliance. पर आप India Alliance देख लीजिए कि अलायंस नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। जो असली अलायंस होता है वो सीट शेयरिंग में दिखाई देता है, और सीट शेयरिंग किस किस चबूतरे पे बनता है वो है आप कितने सीट्स ट्रांसफर, कितना वोट आप ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि यूपी में अखिलेश यादव कितना कांग्रेस को ट्रांसफर कर पाएंगे और कांग्रेस कितना अखिलेश यादव को ट्रांसफर कर पाएंगे। अब आप कांग्रेस का इलेक्ट्रल परफॉर्मेंस देख लीजिए यूपी में, वो क्या ट्रांसफर कर पाएंगे अखिलेश को। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में है, वो तेलंगाना में या आंध्रा में क्या सीट ट्रांसफर कर पाएंगे, कोई बंगाली पॉपुलेशन उधर ट्रांसफर करने के लिए नहीं, तेलुगु पॉपुलेशन है बंगाल में या तो केसीआर या जगन रेड्डी को ट्रांसफर करने के लिए नहीं, कोई तमिल पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में वो यूबीटी शिवसेना को ट्रांसफर करने के लिए, कोई मराठी पॉपुलेशन है, एक्चुअली देयर आर महाराष्ट्रियंस इन तमिलनाडु बट दे आर कंप्लीटली टैमिलाइज्ड, तो उनका महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो यूबीटी आकर उधर कैंपेन करेंगे भी तो वो वोट ट्रांसफर नहीं होगा। तो आपका ट्रांसफरेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसमें दो और ट्रेंड्स हैं, जहां बीजेपी रीजनल पार्टी के खिलाफ फाइट करती है बीजेपी अच्छा नहीं करता है, ना ही तो ममता बनर्जी के खिलाफ, ना ही तो नवीन पटनायक के खिलाफ, ना ही तो केसीआर के खिलाफ, ना ही तो वाईएसआर के खिलाफ, ना ही तो डीएमके के खिलाफ, तो जहां रीजनल पार्टी है। अच्छा। पर जहां भी कांग्रेस होता है वहां बीजेपी बहुत अच्छा करता है स्टेट में। यस। और दूसरी बात क्या होती है कि कांग्रेस जो है जहां रीजनल पार्टी होता है बहुत अच्छा कर पाता है, पर जहां बीजेपी घुस जाता है वहां अच्छा नहीं कर पाता है। तो ऐसे जब स्थिति है ये क्या इंडिया अलायंस है, क्या वोट ट्रांसफरेंस आप ले पा रहे हो। बोलते हैं कि भाई 40% ही वोट मिला था बीजेपी को, तो बाकी ये 60% जो है ये पूरा का पूरा, ऐसे वोट ट्रांसफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत लोकलाइज्ड होता है, बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, बहुत कास्ट कॉम्प्लेक्सिटी है, रीजनल कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे महाराष्ट्र में भी देख लीजिए ना आप, विदर्भा डजंट वोट लाइक द अदर रीजंस, विदर्भा में भी डिफरेंट रीजंस वोट डिफरेंटली, सो इट इजंट, ये जो आर्मचेयर हम टेबल पे बैठ के जो इलेक्ट्रल इक्वेशंस किए जा रहे हैं, इट डजंट वर्क आउट इन रियल लाइफ दैट वे, नॉट लाइक दैट। तो आई विश देम वेल, बट
इस बार तो मेरे को लग रहा है, मेरे को देखिए, जब ये इलेक्शन, ये अभी स्टेट इलेक्शन जो खत्म हो रहा था चार स्टेट का, जिसमें बीजेपी ने 3 जीत लिया और 1 वो कांग्रेस को गया, मैं तो उसका रिवर्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 कांग्रेस हार जाएगा और बस राजस्थान ही वो इलाका है जहां बीजेपी जीतेगा करके. आई वॉज रॉन्ग. उसी टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीजेपी को हारने पर भी 330 मिलेगा, पर अब जब बीजेपी ने वो तीनों जीत लिया है 350, बट बीजेपी इज नॉट इवन एमिंग फॉर 350, वो अब बोल रहे हैं इस बार 400 पार. And I think they'll get it, by the way. I'm quite sure. कम से कम इस बार तो 2/3 majority तो मिलने ही वाला है. Yes. But do you think ये जो India Alliance है, 2024 वाला जो India Alliance है, it is the version of the Grand Alliance of 1970? नहीं, क्योंकि देखिए 1977 में ना emergency के बाद इतना गुस्सा था इंदिरा गांधी के खिलाफ और इमरजेंसी के खिलाफ. गुस्सा कहाँ है, वो चेंज होने के लिए हमेशा एक गुस्से की जरूरत होती है, पर वो गुस्सा प्रकट ही नहीं हो रहा है ना. उस टाइम तो बहुत साफ था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा था, क्योंकि वो जहां भी जाते थे लोग रैली, इंदिरा गांधी के रैली पे आते थे और जैसे इंदिरा गांधी बोलना शुरू करती थी वो मोड़ के पीठ पीछे करके बैठ जाते थे टू शो कि हम तुम्हारे समर्थक थे और आपने हमारे साथ धोखा किया है और हम आपको वोट नहीं देंगे करके. इस बार गुस्सा कहाँ है, बदलाव होने के लिए गुस्से की जरूरत है. तो आप एक जुड़ आए, दैट इज नॉट इनफ. यू ऑल्सो देखिए, अगर आप बैंक बदलना चाहते हैं, आप बैंक पे आप अपना पैसा रखते हैं, एक नया बैंक आता है जो बोलता है मैडम हम आपको ये 0.5% ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, ये देंगे वो देंगे, आप इमीडिएटली बैंक नहीं बदलोगे, क्योंकि आपका करंट बैंक मैनेजर के साथ एक संबंध है, वो जैसे ही आप कॉल करते हैं और बोलते हैं वो कुछ आपके लिए कर देता है, रिलेशनशिप मैनेजर या बैंक मैनेजर जो भी है करके, और आपको पता नहीं है ये 0.5% जो ज्यादा इंटरेस्ट अभी आपको मिल रहा है वो 2-3 साल बाद भी मिलेगा, या दे विल रिवाइज देयर रेट्स डाउन. एंड नया बैंक आया है, आपको पता नहीं है कि इसकी वायबिलिटी क्या है, इसका बिजनेस इंटरेस्ट क्या है एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप भी बोलते हो कि भाई तू 5-6 साल दिखा कि तू क्या है, फिर चाहे तो मैं तभी चेंज करूंगा जब मेरे को खुद अपने बैंक पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए. दिस इज लाइक दैट, राइट? ये ओवरनाइट चेंज बिल्कुल नहीं होता है, नहीं हो पाएगा, होगा भी. अभिजीत, इसराइल पैलेस्टाइन ये जो दो देश है और अभी जो करंट सिचुएशन है इन दो देशों की, क्यों हुआ ये सब, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए ये तो मेरे को 4-5 घंटे लगेंगे कम से कम. okay. तो आपको मेरे को बहुत स्पेसिफिकली पूछना पड़ेगा क्या, क्योंकि इसमें देखिए मैं मानता हूं कि एक ऑक्यूपेशन चल रहा है और एक जो ऑक्यूपाइड होते हैं, जो अधीन होते हैं, उनका एक हक बनता है कि उनके ऑक्यूपायर के खिलाफ जंग लड़ने का. पर वो जंग लड़ने का जो हक होता है उसका मतलब ये नहीं कि आप जाके ऑक्यूपायर के औरतों का बलात्कार करो, उनका टॉर्चर मर्डर करो, उनके बच्चों को जिंदा अवन में बेक करो, उनके बुढ़ियाओं को बेरहमी से बलात्कार करके मारो, उनके बच्चों औरतों को. और वैसे हम सब बच्चे औरत के बारे में बात करते हैं, नॉन कॉम्बैटेंट मर्दों का कोई हक नहीं होता है क्या? लोग मानते हैं कि भाई मर्दों को तो मारो, मर्दों का टॉर्चर करो, मर्दों का जेनिटल्स चॉप ऑफ कर दिया गया था जिंदा रख के, जिंदा रख के उनका जो जेनिटल्स था चॉप ऑफ कर दिया गया, उनके मुंह में घुसेटा गया और फिर आहिस्ते आहिस्ते करके मारा गया. ये क्या बर्बरता है? तो जो हक उनको मिलता है ऑक्यूपेशन को रेजिस्ट करने के लिए उसको बहुत पार कर चुके हैं वो. दूसरा, जब भी वो अपने ऑक्यूपायर पर हमला करते हैं, वो सिविलियंस पे हमला करते हैं, जबकि इजरायली हमेशा मिलिट्री टारगेट्स पर ही हमला करते हैं, सिविलियंस भी मरते हैं. इजरायल क्या करता है कि वो हमेशा मिलिट्री टारगेट को सिविलियंस के से दूर रखता है ताकि गलती से भी सिविलियंस ना मरे. हमास क्या करता है कि वो जो मिलिट्री टारगेट्स हैं वो हमेशा अस्पताल के नीचे या चिल्ड्रन का इंक्यूबेटर के नीचे या वाटर पंपिंग स्टेशन के नीचे, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन के नीचे रखेंगे, ताकि जब
इसराइल टारगेट करे उसको लोग भी मरने चाहिए और उनका प्रोपेगेंडा मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस पे देखिए सब टेररिस्ट एक ही तरह होते हैं। जब हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था और बालाकोट किया था, हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर ही किया था। जब भी पाकिस्तान हमारे पे हमला करता है वो सिविलियंस पर ही करता है, ठीक है। ये हर टेररिस्ट को आप देखेंगे इन्हीं का यही फिलॉसफी होता है। दूसरी बात ये है कि मैं आपके कैरेक्टराइजेशन से अग्री नहीं करता हूं कि ये दो देश हैं। इसराइल एक देश है, ये जो पैलेस्टिनियन देश है ऐसे कभी कोई देश था ही नहीं। ये एक 1960s का इन्वेंशन है, उसके पहले वो सब अपने आप को अरब बुलाते थे। पैलेस्टीनियन नाम का कोई चीज ही नहीं था, ठीक है ना। ये बहुत देर से हुआ है। और अगर आप देखेंगे जो वेस्ट बैंक है, क्या उसको हिंदी में क्या कहते हैं, गाजा, तो गाजा पट्टी कहते हैं। वेस्ट बैंक को उत्तर दक्षिण नहीं, पूरा पश्चिमी तट, पश्चिमी तट को जॉर्डन ने एनेक्स कर दिया था, वो ऑक्यूपेशन नहीं था जी। अगर आप पैलेस्टीनियन कंट्री हैं तो जब जॉर्डन ने आपको एनेक्स किया था 1980 तक, वो वेस्ट बैंक को जॉर्डन का ही एक अंग माना जाता था, तो तब आपका ऑक्यूपेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस क्या था? यानी कि तब आप मानने के लिए तैयार थे कि आप जॉर्डेनियन हैं, पर अब आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप जॉर्डेनियन नहीं थे उस टाइम, और आप बोल रहे हैं कि आप तभी से हम पैलेस्टीनियन थे। ये कहां की बात है भाई। तो देखिए इसमें बहुत द प्रॉब्लम क्या है, इसमें इसराइल पैलेस्टाइन सिचुएशन एक इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसको एक बेसिक समझ के लिए एक पीएचडी डिग्री की जरूरत है। नहीं, और मैं उसको 4-5 घंटे के नीचे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। बट इंडिया का जो स्टैंड था इसके ऊपर, राइट, हाउ एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट वाज इट? इट इज अ वेरी, जो था वो एक्यूरेट नहीं था ना ही तो अप्रोप्रिएट था, क्योंकि वो एक ये सो कॉल्ड मुस्लिम वोट बैंक के दृष्टिकोण से ही देखा जाता था। वैसे कोई प्रूफ नहीं था कि कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान ने कभी भी वोट डालते समय पैलेस्टाइन को मन में रखा है, ठीक है। ये बस ये है कि हम प्रो मुसलमान हैं, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा पॉलिसी ये होता था, देखिए जो मुस्लिम पॉलिटी है इधर, जो पार्टीशन का भी एक किस्म से एक पार्टीशन में इसका हमको मैनिफेस्टेशन दिखाई दिया कि 1857 के बाद जो अंग्रेजों ने पूरा मुस्लिम पावर को हिंदुस्तान, उसके पहले ही मराठास ने मुस्लिम पावर को डिस्ट्रॉय करके रखा था, पर मुस्लिमों का जायदाद जो वेल्थ था वो नहीं डिस्ट्रॉय किया था। 1857 के बाद अंग्रेजों ने पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तो उनका पॉलिटी कभी भी मॉडर्नाइज नहीं हुआ है। एक मॉडर्न पॉलिटी क्या होता है कि भाई एक आप मेरे को दो और मैं आपको दूंगा काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है आपके पॉलिटिशियन के साथ। फ्यूडल क्या होता है कि मालिक हैं, आप जो देना चाहते हैं दे दीजिए, आप मेरे मुंह पे थूक भी मारेंगे मैं आपका आभारी रहूंगा, ठीक है। सो हिंदू पॉलिटिक्स मॉडर्नाइज्ड, जैन बुद्धिस्ट पॉलिटिक्स दे ऑल मॉडर्नाइज्ड, मुस्लिम पॉलिटिक्स स्पेशली जो सुन्नी पॉलिटिक्स है वो कभी भी मॉडर्नाइज नहीं हुआ है। आप देख लीजिए जैसे हमारे भाई तहसीन पूनावाला जो आपके शो में आ चुके हैं, वो तो इस्माइली हैं, उनका बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी है। उनमें से आधा से ज्यादा लोग बीजेपी के लिए वोट करते हैं। जो दाऊदी हैं और बोरे हैं वो सब बीजेपी के लिए वोट करते हैं, दे आर ऑल शियास एंड बोराज आई थिंक लव बीजेपी। बोराज तो उनके सैयदना हमेशा फतवा डालते रहते हैं कि भाई बीजेपी के लिए वोट करो, बीजेपी के लिए वोट करो करके, ठीक है। जो आप कारगिल में जाके शियास को देखोगे, दे आर एक्चुअली जाफरी 12वर शियास जो ईरानियन डिनोमिनेशन के हैं, वो भी बीजेपी के लिए वोट करते हैं। सो फर्स्ट लेट अस लोकलाइज द प्रॉब्लम कि ये सुन्नी प्रॉब्लम है। और कांग्रेस ने क्या किया था कि बोला था कि भाई हम तुम्हारे जो लीडर्स हैं, जो फ्यूडल लीडर्स हैं, उनको जो मुंह मांगे इनाम देंगे, आपके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। बीजेपी ने वो एकदम उल्टा करके रखा है। नीचे जो भी आपको, आप हमको वोट तो ना दो, हमको, हम आपके लिए स्कूल बनाएंगे, आपके लिए टॉयलेट्स बनाएंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। और इसीलिए जो लोग मुसलमान इस्लामोफोब्स अमंगस्ट अस, दे कॉल मोदी मौलाना मोदी इसी वजह से, पर हम आपके लीडर्स को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने आपका मजाक बना के रखा है। तो इसीलिए जो भी मुस्लिम लीडरशिप वाले लोग, सुन्नी लीडरशिप वाले लोग हैं, वो मोदी को कातिल हत्यारा ये सब कहते रहते हैं, पर जो नीचे का मुसलमान है they are actually getting all the benefits. Who are into the leadership, Sunni leadership? Typical. आपके ये जो भी उठाए पटाए गए थे अहमद पटेल,
सैफुद्दीन सोज ऐसे सब जो टेक्निकली ये सब स्ट्रांगमैन थे ना अपने इसके, उनके पास 100 एकड़ जमीन होगा और वो बोलेंगे आप मुसलमानों को पे कितना जुल्म कर रहे हो, जुल्म और आप उनके घर जाओगे जुल्म के भाई आपके घर में जाने से मेरे मेरे को लग रहा है मेरे पे जुल्म हुआ है कि मेरा इतना 20,000 स्क्वायर फुट का महल नहीं बना है जिसमें ये क्या झूमर नहीं लगे हैं, झूमर में सोना है, कहीं झूमर में चांदी है, पता नहीं क्या क्या है। सो दिस पैटर्न हैज चेंज्ड। ये जो कांग्रेस का जो माइनॉरिटी अपीजमेंट और एक किस्म से माइनॉरिटी डिस्ट्रक्शन का जो पॉलिसी था कांग्रेस का, कांग्रेस वाज एक्चुअली एंटी मुस्लिम, बीजेपी इज नॉट एंटी मुस्लिम इवन दो इट इज परसीव्ड। उसी वजह से ये पैलेस्टीनियन का सपोर्ट आता था कि हमने मुंह बोला जो सपोर्ट देना था वो दे दिया, अब आप हमारे लिए वोट करो, किया कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इंडिया का पोजीशन अब चेंज हो चुका है, जैसे हमने देखा है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन भी लीडरशिप के वजह से इतने the Sunnis are so at the bottom of the economic ladder because of their own leadership, और हम उस लीडरशिप को निकाल के लोकल मुस्लिम्स को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पॉलिसी इजराइल गाजा के साथ भी वही है, हमास आपको घुमाना चाहता है, वो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। हम प्रो पैलेस्टीनियन है, प्रो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट नहीं है और प्रो हमास नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, क्योंकि हम ही वो देश हैं जो पैलेस्टीनियंस को एक्चुअली एड दिए जा रहा है, जिसको इजिप्शियन से भी कोई एतराज नहीं है और इसराइल को भी कोई एतराज नहीं है, और कोई भी देश हमारी तरह इतना नहीं कर रहा है, मे बी यूएई कर रहा है मैक्सिमम। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि इजरायली फोर्सेस को ये अटैक्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी? देखिए, एक ह्यूब्रिस नाम का भी एक चीज होता है ना, जब हर दिन आपका सिक्योरिटी इतना अच्छा होता है, आप समझ भी नहीं पाते हैं कि एक दिन वो सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, ठीक है ना। ये हर बंदे को होता है। जैसे कि आप देखेंगे ना कि राजा कंस जो थे उनको लगा था कि मैं हर बेटे को मार डालूंगा और फिर कोई भी बच नहीं पाएगा, पर कृष्ण भगवान तो बच गए थे। इट्स द एग्जैक्ट सेम स्टोरी, ह्यूब्रिस एंड वन डे योर बबल बर्स्ट्स। ये पहले भी हो चुका है। इजराइल का एक बारलेव लाइन था जो उन्होंने 67 के विक्ट्री के बाद कंस्ट्रक्ट किया था सुएज कैनाल पे। उन्होंने सोचा था कि ये लाइन एकदम इम्प्रेगनेबल है, इसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, और 1973 में इजिप्शियंस ने तोड़ के पूरा साइनाई पे कब्जा, वेल कब्जा तो नहीं किया था पर अंदर आ गए थे। चीन ने भी ये सोचा था जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना था कि ये हमने अल्टीमेट वॉल बनाया है, मंगोल्स इसको तोड़ ही नहीं पाएंगे। मंगोल्स बार बार टूट, हर 30-40 साल टूट के अंदर आ जाते थे, और फिर जब अंदर आते थे और भगाए जाते थे, फिर अगले 30-40 साल के लिए लगता था कि भाई नहीं आ पाएंगे, फिर से आ जाते थे। ये फ्रांस में भी हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, एक माजिनो लाइन का एक दीवार बना फ्रांस और जर्मनी के बीच, और हिटलर ने क्या किया दूसरे वर्ल्ड वॉर में, माजिनो लाइन को पूरा इग्नोर करके जहां वो वॉल खत्म होता है ना उधर से फिर अंदर आए गए। तो That's how it works. But Jerusalem जो है, ये तीन Abrahamic religions पर based है, right? Christianity, Islam and Judaism. जी. ये holy places है, इनकी जो holy भी holy places है, और लेकिन क्या इनकी holy books में ये mention है about you know regarding in Israel and Palestine के regarding कुछ भी mention है? पैलेस्टाइन तो कभी आता ही नहीं है इस पिक्चर में। इट्स मोर अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट अबाउट, उन दिनों में नेशनैलिटी नाम का कुछ होता नहीं था, बस रिलीजन के नाम पे होता था। पर तीनों के लिए होली है, क्वेश्चन ये नहीं है कि किसके लिए होली है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि किसका घर है, किसका जायदाद है, किसकी संपत्ति है। जैसे कि आपके घर में अगर कृष्ण भगवान का एक मूर्ति है, मैं उसको पवित्र मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई कोर्ट के ऑर्डर से आपका मेन दरवाजा खुला रख के मैं रोज आके उधर आरती पूजा करूंगा, ठीक है ना। तो मेरे लिए भी आपका कृष्ण भगवान सेक्रेड है, बट वो इजराइल के कब्जे में है, इजराइल का प्रॉपर्टी अब बन गया है प्रीटी मच। आई मीन देयर आर मेनी इंटरप्रिटेशंस टू दिस, नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, बिकॉज कहते हैं ना पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। इसीलिए बाबरी मस्जिद गिराना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो किसका भी प्रॉपर्टी था, जब तक मस्जिद था उधर पोजेशन उस साइड का था, इवन दो प्रॉपर्टी पूरा हिंदुओं का था।
तो जब वो गिरा तब ऑटोमेटिकली आपने पोजेशन खत्म कर दिया, तो 9/10 ऑफ द लॉ उधर ही आउट हो गया. इसीलिए आप देख लीजिए बाला साहेब ठाकरे का बहुत फेमस एक इंटरव्यू है, जब उनको पूछा गया था आपने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव को वायलेट नहीं किया कि उधर देयर शुड बी नो न्यू कंस्ट्रक्शन आउट देयर, बाला साहेब ठाकरे ने क्या बोला था, हमने तो कुछ नहीं वायलेट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा था कि देयर शुड बी नो कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया, हमने डेमोलिशन किया. बट आपको क्या लगता है दिस इज वन पार्टी मेजोरिटी वाला ये जो है इंडिया में सीन चल रहा है बाय मोदी? देखिए आई एम ऑलवेज अनकंफर्टेबल व्हेन वन पार्टी हैज एन व्हेन देयर इजंट अ स्ट्रांग ऑपोजिशन. पर हमने ये भी नहीं देखा है कि बीजेपी अपना वन पार्टी जो डोमिनेंस है उसको अब्यूज भी कर रहा है. क्योंकि आप देखेंगे लोगों को याद नहीं है पर अगर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में आपने अगर कुछ भी लिखा होता आप सीधे 2-3 महीने तो जेल के काट कर ही आ जाते उस टाइम पे. पीपल हैव फॉरगॉटन ऑल ऑफ दिस क्योंकि इन दिनों में अखबार बहुत सेलेक्टिवली केयरफुली रिपोर्ट करते थे ना. अब तो आप जो लिखना है, अरे मोदी को क्या क्या गाली बका जाता है, मीम्स गालियां, अरे मैं भी गाली बका हूँ उन पे, मैं तो बाहर नहीं हूँ, मैं तो बाहर ही हूँ, अभी अंदर नहीं हूँ. तो देखिए ये जो मैं मानूंगा कि इट इज नेवर गुड फॉर अ कंट्री जब एक पार्टी का एब्सोल्यूट डोमिनेंस हो. पर मैं ये भी नहीं देख रहा हूं कि जो वन पार्टी डोमिनेंस है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है. और ये भी मैं नहीं देख रहा हूं कि कोई वार्तालाप पे कोई पाबंदी लगी है, कि इनफैक्ट क्वाइट द ऑपोजिट, लोग जितना जोर से मोदी के खिलाफ बोलते हैं, जितना मोदी को ज्यादा गाली देते हैं, उनके पॉकेट में ज्यादा पैसा आता है. ओके But how practical is a one nation, one election? One nation, one election तो दूसरी बात है. देखिए इसमें बहुत सारे complicated legal issues हैं. I support it generally क्योंकि फिर सरकार को हर इलेक्शन साइकिल के बारे में सोचना नहीं पड़ता है. इनिशियली ऐसे ही एनविसाज हुआ था कि सब इलेक्शन एक साथ हो. पर इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर ये आ जाता है कि भाई हमने तो 5 साल के लिए वोट किया था, आप कैसे 2 साल में ही ये इसको अभी के लिए खत्म कर रहे हैं. पर इसका भी ये है क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे फ्रांस का जो प्रेसिडेंशियल टर्म था वो 7 साल का था और वो जाक शिराक ने फिर 5 साल का कर दिया. ब्रिटेन में भी 5 साल का होता था और फिर वो 4 साल का बनाया गया. ठीक है, तो आप लीगली भी एक 7 साल के लिमिट को या तो परमानेंटली 4 साल का बना सकते हैं, 5 साल को 4 साल का बना सकते हैं, या एक टाइम के लिए 2 साल या 1.5 साल का बना के एक साथ इलेक्शन कर दो एंड फिर सबका 5 साल का ये बना दो. उसमें ये है फिर अगर एक सरकार गिर गई 2 या 3 साल में उसका क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है. ओके, और उसमें क्या आता है कि आप जर्मन मॉडल देख लो कि जर्मन मॉडल में जब तक आप ऑपोजिशन ने मेजॉरिटी लाया होगा, यानी कि एक पार्टी नहीं 3-4 पार्टी टुगेदर, पर जब तक कि वो एक प्रपोजल ना दे पाए कि हम तीनों पार्टी मिल गए हैं और ये हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, तब तक वो बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर को हटा नहीं सकते हैं. ट्रू ट्रू. सो देयर आर मेनी मॉडल्स ऑफ डीलिंग विद दिस. सो लीगल क्वेश्चंस हैं बट देर इज नथिंग अनसॉल्वेबल इवन विद इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क. इसमें डेमोक्रेसी का भाई, इसमें डेमोक्रेसी कम थोड़ी ना होता है. इनफैक्ट आई वुड से कि शॉर्टर इलेक्शन साइकिल्स आर मोर डेमोक्रेटिक. बट ऐसे ऐसे नेशनल और सोशल जो इश्यूज हैं, जैसे 370 अयोध्या राम मंदिर जो टेम्पल है, जो सदियों से यू नो वाद विवाद के इसमें घिरा हुआ था, बट हाउ इज मोदी जी डूइंग ऑल ऑफ इट? हाउ डू यू थिंक ही इज डूइंग इट एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. पहले 5 साल में मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि भाई आप काम जल्दी इनफ नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता था कि कांग्रेस डिफॉल्ट पार्टी है और ये 5 साल ही आपको मिलेगा, नहीं तो फिर ये 2004 इलेक्शन की तरह होगा. पर जब मेरे को वो आश्वासन आया कि भाई ये एक टर्म का सरकार नहीं है, तब मैं भी अपना पैर ऊपर करके भाई अब तू आराम से काम कर, फुल सपोर्ट. ही इज डूइंग इट स्लोली. वो कहते हैं ना वो फेमस जो ईसप्स फेबल है, द स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो कछुआ और
रैबिट को क्या कहते हैं हिंदी में, खरगोश, कछुआ और खरगोश का जो रेस है, ये कछुआ खरगोश का रेस है, और कछुआ स्लो एंड स्टेडी जीत रहा है, स्लो कंसोलिडेशन हो रहा है, एंड दैट इज हाउ इट इज ऑल हैपनिंग। और ये देखिए जो 370 का है, तो मैं जानता हूं ये जो एक ब्रेन ट्रस्ट के नाम से ये पिछले 20 साल से आरएसएस प्लान करके आ रही कि हमारा कब पूर्ण बहुमत होगा कि हम ये कर पाए 370 का। जो राम मंदिर का जो जजमेंट था, इसमें आपको लगता है कि बिना गवर्नमेंट के ये कभी, ये जजमेंट कभी भी एक कांग्रेस सरकार के नीचे आया होता? कभी भी, कभी नहीं। सो इट हैज, देखिए इसमें कोई, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट रिमोट कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा बॉडी है जो अनलाइक पाकिस्तान जहां सुप्रीम कोर्ट टकराव करता है सरकार से, हिंदुस्तान में कभी टकराव की बात नहीं है। फौज कभी सरकार से नहीं टकराता है, एग्जीक्यूटिव कभी लेजिस्लेटर से नहीं टकराता है, लेजिस्लेचर कभी सुप्रीम कोर्ट से नहीं टकराता है, सब एक साथ काम करते हैं। कभी कभार ये अच्छा चीज है, कभी कभार ये बुरा भी चीज है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने इलेक्शन इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये बिल्कुल लीगल है। जब भी एक आम जनता सुप्रीम कोर्ट के पास गई है गवर्नमेंट के अब्यूज के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उस आम नागरिक को सपोर्ट नहीं दिया है, उसने हमेशा एक सरकार को ही सपोर्ट दिया है, या चाहे तो वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे तो वो थर्ड फ्रंट सरकार हो, चाहे तो वो बीजेपी की सरकार हो। अब ये होते हुए इट इज अ पॉलिसी ऑफ नॉन कॉन्फ्रंटेशन विद द गवर्नमेंट, तो ये भी नॉन कॉन्फ्रंटेशनल गवर्नमेंट के साथ हुआ। एंड इसमें मोदी का तो बिल्कुल हाथ था, ये नहीं कि मैंने धमकाया, डराया या रिश्वत दी और ये सब, बिल्कुल भी नहीं। बट इट इज जस्ट द वर्च्यू ऑफ बीइंग इन पावर बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और जो ज्यूरिसप्रूडेंस है कि आप सरकार नहीं है, आप जुडिशरी हैं, आपको हक नहीं बनता है सरकार के खिलाफ भगवा करने का। करेक्ट, बगावत करने का, भगवान करने का। ओके, सो जैसे 22 तारीख को राम मंदिर की स्थापना और इनॉग्रेशन है, इनविटेशन काफी लोगों को गया है, हु डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कौन नहीं जाएगा? कांग्रेस में भी इनविटेशन गया, कांग्रेस ने तो सब बोल दिया हम नहीं जा रहे हैं। करेक्ट, पर अखिलेश यादव ने बहुत सुंदर चीज बोली है। देखिए इसीलिए अखिलेश यादव को अभी भी वोट मिलता है और बेचारे राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता है। राहुल गांधी ने क्या बोला, हम इससे ये आरएसएस का नौटंकी है, हम नहीं जाएंगे, ये सब बकवास बका है। अखिलेश यादव ने क्या बोला कि देखिए हम इनॉग्रेशन के लिए नहीं आएंगे, हम भक्त की तरह आएंगे, क्योंकि हमको रामलला की, हमको शो में नहीं आना है, हमको रामलला का आशीर्वाद चाहिए, तो जब ये खत्म हो जाएगा हम रामलला के दर्शन एक भक्त की तरह आएंगे, उनका दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अगर आपको अवॉइड करना था अखिलेश यादव की तरह करो, ना ही तो सोनिया गांधी राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी को तो वैसे इन्विटेशन नहीं मिला था क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं है, वो सोनिया गांधी को और खरगे को मिला था। बट विल दे गो सोनिया गांधी? नो, उन्होंने तो ना बोल दिया है। देखिए ये मैंने बोला है ना आपको कि कांग्रेस बुद्धू नहीं है, कांग्रेस सुइसाइडल बन गया है। ये जो मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स होते हैं, हिंदुस्तान में मेंटल हेल्थ कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, पर ये सब वो सुइसाइडल टेंडेंसी का मेंटल हेल्थ सिम्टम्स है। जब आप हिंदू के बगैर आप वोट नहीं जीत सकते हो, पर फिर भी आप हिंदुओं को भड़काने की कोशिश में ही लगे हुए हो, को उत्तेजित कर, उत्तेजित नहीं, हिंदुओं को गाली देने की कोशिश में या नीच दिखाने की कोशिश में ही लगे हुए हो। अब देखिए मैं तो नास्तिक हूं, ठीक है ना, काफी दिनों तक मैं बीफ खाता था, पर मेरे को भी एक नास्तिक होते हुए भी जो एक श्रद्धा महसूस हो रही है, एक किस्म का कल्चरल वैलिडेशन जो महसूस हो रहा है राम मंदिर बनने का, यू नो आई कांट डिस्क्राइब इट, इट्स डीपली इमोशनल, बहुत इमोशनल। आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, राइट, टिल अबाउट 8-9 मंथ्स बैक आई वाज ईटिंग बीफ आल्सो। वो दूसरी बात है, मैंने क्यों छोड़ दिया, वो दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस स्पेसिफिकली, बट एनीवे
But in spite of all of that, that sheer raw emotion. मेरा हमेशा प्रेयर था कि मंदिर वहीं पे बनेगा, ठीक है, और ये एंड नहीं है, काशी और मथुरा भी बनेंगे, ठीक है ना. आई एम वेरी, आई एम क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस. आई मे नॉट हैव एनी बिलीफ इन गॉड, बट आई विल 100% वॉन्ट दिस टू हैपन. अगर तुम ये बनाने की विरुद्ध करोगे तो मेरे लिए वोट कभी नहीं डालूंगा मैं, ठीक है. बट इसका जो है, कौन ऐसे बुद्धू है जो आपका वोट भी चाहता है और आपके मुंह पे थूक बिना भी चाहता है. देखिए, मैं कभी भी अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बनूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने एक बच्चे को लाके मेरे हाथ में थाम दिया, हाय राम कितना अगली सा बच्चा है, ये बच्चा नहीं है, ये पॉटी फैक्ट्री है, ये पॉटी करते रहता है, निकालो इधर से. अब भाई मेरे को कौन वोट देगा ऐसे? जो माँ आई है वो तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के भाग जाएगी और बोलेगी, और बास में 10 माओं को बोलेगी कि भाई ये बहुत कमीना इंसान है, इसके लिए वोट मत करो. पर कांग्रेस को अभी भी ये बिलीफ है कि हम ये सब बोलेंगे और हिंदू आपके लिए वोट भी करेंगे. बहुत ही पावरफुल इमोशन है, बहुत. आई डोंट थिंक दीज पीपल गेट इट. तो कितना आप इलेक्ट्रेट से एलियनेटेड हैं कि आपको ये बेसिक्स भी समझ में आपके अंदर इमोशन नहीं है? I really don't know. देखिए, इसमें कांग्रेस could have played it anyway. They could have said, देखिए राजीव गांधी ने ही ताले तोड़वाए थे. एक किस्म से नरसिम्हा राव के टैसिट सपोर्ट की वजह से ही बाबरी मस्जिद गिरा था. यानी कि हमने ही बनवाया है. They could have started their own Ram Lalla Yatra and say, ये असली Ram Lalla Yatra है. Instead, first they say separation of religion and state. Correct. दूसरा क्या करते हैं कि वो चार शंकराचार्य पे लटक जाते हैं, जिनमें से दो बहुत ही नॉन कास्टिस्ट हैं, जिन्होंने कास्ट के बारे में पता नहीं क्या अंटशंट बका है. एक तो मैं नाम नहीं लूंगा कौन है उनमें से, पर एक अगर आप सुनेंगे उन्होंने दलितों के बारे में और लोअर कास्ट के बारे में क्या बोला है, मेरे को अभी भी हैरानी होती है कि उन पे SC ST एक्ट नहीं लगा है. क्योंकि वाजिबुल SC ST एक्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द नेम, बट पर्टिकुलरली हॉरिबल क्रीचर. और आप कांग्रेस होके, प्रोग्रेसिव पार्टी होके इन लोगों के पीछे छिप रहे हो जो इतने गलीज कास्टिस्ट हैं. हैरानी की बात है. हैरानी की बात है. बट दिस इज व्हाट द कांग्रेस हैज कम डाउन टू. डू यू थिंक दिस इज यही रीजन है ये मंदिर वगैरह भी नहीं जाएंगे? मतलब अभी जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, दिस इज द रीजन. आई थिंक राजीव गांधी जी के बाद मैं, देखिए मैं तो किसी का बाप माँ नहीं हूं, तो आई कांट कमेंट ऑन अपब्रिंगिंग. आई एम द लास्ट पर्सन टू कमेंट ऑन अपब्रिंगिंग. आई एम श्योर सोनिया गांधी इज अ वंडरफुल मदर, बट उन्होंने एक हिंदुस्तानी बालक को नहीं अपब्रिंग किया है. उन्होंने एक बहुत अच्छा यूरोपियन सोशल डेमोक्रेट को पाला है घर पे, जो जिनका सोच विचार बहुत ही यूरोपियन लेफ्ट ऑफ सेंटर सोशल डेमोक्रेट का है, जिनका जो सोचने का जो प्लेटफॉर्म ही है वो नो, क्योंकि यूरोप में हिटलर मुसोलिनी की वजह से नेशनलिज्म बहुत गंदा शब्द है, हिंदुस्तान में इट इज नॉट अ बैड वर्ड. इन अमेरिका नेशनलिज्म इज नॉट अ बैड वर्ड, बट ये नेशनलिज्म के खिलाफ रिलीजियस आइडेंटिटी, क्योंकि यूरोपियन जो सेक्युलरिज्म है वो एंटी रिलीजियस है. देखिए सेक्युलरिज्म जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं इसका इतना दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि हर सेक्युलरिज्म एक जैसा नहीं होता है. फ्रांस में जो यूरोपियन सेक्युलरिज्म पैदा हुआ था वो ओपनली चर्च के खिलाफ पैदा हुआ था, और 1792 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसमें जो भी चर्च में काम करता था, चर्च का सब जमीन जायदाद जब्त किया गया, उनमें जो भी पादरे फादर्स थे उनका, नंस थे उनका, गिलोटीन पे उनका सर काटा गया. वो बहुत ही एंटी चर्च है कि आपने एक क्रॉस भी दिखाया ये गलत बात है, आप निकालो यहां से. अमेरिका दूसरा किस्म का सेक्युलरिज्म है, क्योंकि अमेरिका में मेफेयर नाम के एक शिप में जो
ब्रिटेन उन दिनों रिलीजन पे काफी पागल था, पर उनके पागलपन से भी ज्यादा पागल थे ये प्योरिटन नाम के लोग। वो उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, वो अमेरिका में जाके उन्होंने एक अगला किस्म बिल्कुल फ्रांस के ऑपोजिट कि आप जितने भी पागल एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस हो आपको सरकार से निकालने का कोई हक नहीं है, तो हर पागल को हक बनता है संसद में बैठने का। इधर अगर आपने क्रॉस भी पहना आपको संसद बैठने का अधिकार नहीं है, उधर आप जितने पागल हो आपका अधिकार बनता है, इधर तो अब पागल नहीं हो तब भी अधिकार नहीं बनता है अगर आपने राम नाम लिया या जीसस नाम लिया, उधर जितने भी पागल हो आपका अधिकार बनता है। हिंदुस्तान का है धर्म निरपेक्ष, यानी कि आप कोई भी धर्म के हो पर कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। आप नास्तिक हो, आस्तिक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। आपने ये सही बात बोली है दैट यू नो ही इज नॉट रेज्ड इन दैट वे, जहां उनके अंदर वो देशभक्ति कहते हैं ना। देखिए वो जब वो समझते हैं कि ये इलेक्शन का मुद्दा है, मोदी बहुत बेसिक चीज है, टॉयलेट्स ये इलेक्शन का मुद्दा है बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्शन का मुद्दा है हाँ बिल्कुल, हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमें हमारे लिए हमेशा टॉयलेट्स और हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही पले पोसे, बट फॉर ऑर्डिनरी पीपल नो इट इजंट, सो इट्स अ ह्यूज इलेक्शन इशू। राहुल गांधी ने अब तक क्या रेज किया है? मेरे को चाहिए कि फोन जब बनेगा वो फोन मेड इन जोधपुर नाम का बनेगा। भाई इस बंदे को फोन चाहिए, फोन इन जोधपुर का वो नहीं चाहिए। तो जो इलेक्शन मुद्दा वो बना सकता था बनाया नहीं, वो कुछ और बना दिया। फिर आता है बोलता है कि भाई इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ओके, बट इज लव्ड बाय मेनी, इनके मीम्स, इनके तो नोबडी वोट्स फॉर अ जोक, एब्सोल्युटली सी वी वांट अ सीरियस पर्सन, एग्जैक्टली। अगर आप बेस्ट एक्टर का वोटिंग करोगे वो बस वो सीरियस एक्टर जो मसल्स बनाते हैं वो बनाते हैं, आई मीन दैट इज नॉट अ सीरियस एक्टर बट हिंदुस्तान में दैट इज कंसिडर्ड सीरियस एक्टिंग, वो मसल टाइप लोगों को ही मिलेगा। अगर आप कभी भी जॉनी लेवर को बेस्ट एक्टर का ये मिला नहीं, कभी भी वो आजकल कॉमेडियन कौन है पिक्चरों में, there are many these days, yeah, but tell me how many of them Satish Kaushik how many of them has ever won best actor award? No one. Why does a comedian koi bhi film fair ka best actor award kabhi bhi ek comedian ko nahi mila? Because it is a different category, no? No, but they are also actors. Yes, but why don't they get comedian ka actor nahi hai? The best male actor, best female actor milta hai, supporting best actor, supporting best actress milta hai, but why is a comedian never counted in that role? Yeah, theek hai na. So it is a very Rahul Gandhi best comedy ka award jeet lenge, par best actor, best supporting actor, best actress, best supporting actress ka nahi jeetenge. It's the same thing. He I don't, not that I claim to understand, mera jo परवरिश है वो बहुत ही एक ऑक्सीडेंटल परवरिश है, वो एक हिंदुस्तानी परवरिश नहीं है, और मैं मानता हूं कि आई एम आउट ऑफ टच विद इंडिया एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर इस बंदे में प्रॉब्लम क्या है कि उसकी परवरिश मेरे से भी ज्यादा ऑक्सीडेंटल परवरिश है और उसको एकदम बिलीफ है कि वो रोज चाय पिएगा ताज में, पर उसकी सोच है कि वो गली वाला चाय वाला का प्रॉब्लम समझ सकता है। मेरा कभी भी ये डिल्यूजन नहीं हुआ है। तो देखिए आज मिलिंद देवरा छोड़ के चले गए हैं, क्यों है कि कांग्रेस में जो भी वोट ला सकता है उसको निकाल दिया जाता है या वो छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, और जो एक वोट भी नहीं ला सकते हैं खुद अपने ही स्टेट में उनको इतना दर्जा दिया जा सकता है। आप ये एक पैटर्न देख लीजिए ना, जो भी वोट ला सकता है वो जमीन से कनेक्टेड है, और वो जमीन से कनेक्टेड एडवाइस राहुल को अच्छा नहीं लगता है, पर जो ये एकेडमिक फिलोसॉफिकल एडवाइस देते हैं राहुल के करीब कौन है, वो अगर आप जाके पूछेंगे कि राव्या जी आज मैं क्या नीली साड़ी पहनूं या पीली साड़ी पहनूं, राहुल को कौन से लोग अच्छे लगते हैं, उनको वो राव्या जी अच्छी लगती हैं जो इस प्रश्न के जवाब में पूछें बोले नहीं,
जवाब नहीं दें, वो क्वेश्चन पूछेंगे बेटा पीला क्या होता है और नीला क्या होता है, जो पीला है वो असली में पीला है और जो नीला है वो असली में नीला है, क्योंकि जो नीला है वो कहीं जगह पे स्पेक्ट्रम पे निर्भर वो पीला हो सकता है, और जो पीला अगर आप फिल्टर डाल के देखेंगे वो नीला भी हो सकता है, और इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें मेटाफिजिकल रियलिटी क्या है कि आप उस दिन पीला अच्छा रहेगा या बीच में आपको बदलना, आपको ये एडवाइस चाहिए नहीं ना, आपको बस सीधा जवाब चाहिए भाई पीला या नीला, बस खत्म करो। ही ओनली लाइक्स पीपल हु टॉक नॉनसेंस लाइक दिस, ही डजंट वांट, ही इज अ गाय हु लाइक्स स्वीट डिशेस, उनको करेला अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा मानता हूं कि एक पॉलिटिशियन अच्छे पॉलिटिशियन का टेस्ट है कि भाई तेरे को करेला अच्छा लगता है या नहीं। जिसको भी करेला अच्छा नहीं लगता है वो इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। जिसको भी करेला बहुत ज्यादा अच्छा लगता है टू द पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन, वो डिप्रेशन के वजह से जीत नहीं पाएगा। पर जिनको करेला से कोई ना ही तो प्रॉब्लम नहीं है, ना ही तो बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं है, those are the perfect politicians to have. मेरे को करेला बहुत अच्छा लगता है, करेला is one of my favorite vegetables. बात करते हैं about the 2024 elections. क्या एक नए era की शुरुआत होने वाली है after you know these elections in 2024? And what changes? हम क्या changes देखेंगे जो मोदी जी ला सकते हैं? देखिए मैं तो I will just project past behavior. अगर आपने देखा था मोदी का जो पहला टर्म था गुजरात में, ज्यादा कुछ रिफॉर्म्स नहीं हुए। सेकंड टर्म में काफी मोमेंटम बढ़ी और थर्ड टर्म में तो एकदम गैलपिंग रिफॉर्म्स होने शुरू हुए, जिसका बेनिफिट अभी भी बीजेपी को मिल रहा है। दैट इवन 10 इयर्स आफ्टर मोदी उस स्टेट को छोड़ चुके हैं और कोई भी उधर कोई कैरिज्मेटिक चीफ मिनिस्टर नहीं बना है, फिर भी वो इलेक्शन जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं बहुत भारी बहुमत से। दैट इज द करिश्मा, राइट? दैट इज परफॉर्मेंस। करिश्मा परफॉर्मेंस की वजह से भी आता है। सेंटर में मैं यही मानूंगा, क्योंकि अब तक आप देख लीजिए फर्स्ट टर्म में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, दूसरे टर्म में ही राम मंदिर बना, 370 गया, फार्म बिल आनी चाहिए थे, ठीक है वो एक ये हो गया, वेलेड हो गया, पर CANRC इज नाउ बीइंग इंप्लीमेंटेड, व्हाट इज द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड। ये तीसरे टर्म में, और प्राइवेटाइजेशन भी सेकंड टर्म में हुआ, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन, कोल ब्लॉक्स के प्राइवेटाइजेशन, ये सब सेकंड टर्म में ही हुआ। थर्ड टर्म में मेरा मानना है यू विल सी गैलपिंग रिफॉर्म्स, ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक चेंज जो हमारा ग्रोथ रेट को डबल डिजिट तक ले जाएगा। आई डू बिलीव कि थर्ड टर्म में UCC भी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, आई बिलीव देयर विल बी जुडिशियल रिफॉर्म्स भी आएगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि भाई आपने टैक्स रेजिम बदल दिया और ग्रोथ हो जाएगा, नहीं, प्रॉपर्टी लॉज बदलने हैं, लेबर लॉज बदलने हैं, रेगुलेटरी लॉज बदलने हैं, और जब आपका जुडिशियल पेंडेंसी इतना है और आपका पुलिस रेशियो इतना कम है तो आपका लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा, तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? अब आप भी देख लीजिए कि जब यूपी में योगी ने लॉ एंड ऑर्डर बदला, आज आप लखनऊ जाके देख लीजिए, आई कांट रिकॉग्नाइज लखनऊ एनीमोर, ऑल लखनऊ जस्ट वेरी रिसेंटली आफ्टर 20 years, एंड आई वॉज लाइक भाई ये हुआ क्या है लखनऊ को, ये मेरे बचपना का लखनऊ। एंड जब 20 साल के बाद आप चेंज देखते हो ना, तभी आपको पता लगता है कि चेंज क्या होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि यार पहले तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती ही नहीं थी इधर, और अब इतना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर दो। सो आई थिंक दे विल, आई एम नॉट टू क्लियर अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स, मे बी हो या ना हो, बट जुडिशियल रिफॉर्म जरूर होंगे, आई थिंक पुलिस रिफॉर्म भी होने चाहिए, बट एनीवे इट्स नॉट अप टू मी, आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर। और ये आई थिंक द थर्ड टर्म विल गो डाउन एज अ गोल्डन एज इन इंडियाज, आई जेन्युइनली बिलीव दैट। और अब रामलला आ गए हैं ना, घर वापस आ गए हैं, तो अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा, है ना? सो कोई, बट ये इलेक्शंस में कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो हमने बांग्लादेश में साबित कर दिया था, क्योंकि हम शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे थे, बट वी वर नॉट, वी नेवर मैनिपुलेट इलेक्शंस।
Americans manipulate elections. They did it in Ukraine, they've done it in Israel in the past. Bangladesh mein bhi unhone koshish kiya tha. और बुरी तरह से हार खा गए. और हिंदुस्तान तो इतना बड़ा इतना कॉम्प्लेक्स देश है. देखिए इधर जो अमेरिकन एम्बेसी है वो एक किस्म से राहुल गांधी है कि वो जिसको सुनना चाहते हैं बस उन्हीं को सुनते हैं. ठीक है, और वही लिब्रांडो लोग उधर आते हैं जो एक वोट भी, वो तो आप नेशनल इलेक्शन छोड़ दीजिए, वो अपने RWA का इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे. उन्हीं को सुनते हैं और बैठ के अच्छा अच्छा ऐसा है करके ये करते हैं. उनकी जो काफी देर तक जो डेप्यूटी एम्बेसडर थी इधर, वो इतनी नालायक थी कि उनका स्टेट डिपार्टमेंट के उन्हीं के कॉलीग्स मेरे को कॉल करके बोलते थे कि भाई ये तो अफर्मेटिव एक्शन की चुड़ैल बैठी है इधर, इसका कोई, इसने ए अपने जिंदगी में ऐसे प्रमोशन के लिए एक भी ठीक सा काम नहीं किया है. इसका बस इसका इंक्लूसिविटी कोटा में इसको प्रमोशन दिया गया है. तो अगर ऐसे ही आप चुनते रहेंगे, और इस बार आप उनके एम्बेसडर को भी देख लीजिए. देखिए अमेरिका के दो किस्म के एम्बेसडर होते हैं, एक जो बहुत सीरियस टेक्नोक्रेट एम्बेसडर होते हैं जिनके नीचे हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे ही होते रहते हैं. दूसरे होते हैं ये बॉलीवुड हॉलीवुड वाले नौटंकीबाज एम्बेसडर. अभी जो है वो लिटरली हॉलीवुड नौटंकीबाज है. वो एलए का मेयर था और एलए में उसने क्या किया, बस दफली बजाई रास्ते पे. तो अगर आप रास्ते में दफली बजाने वाले को एम्बेसडर बनाओगे तो नतीजे भी वैसे ही होंगे. जब मैंने टॉकिंग अबाउट US इलेक्शंस, हमें ये बताया 2024 में तीन मेजर कंट्रीज में तीन इलेक्शंस होंगे इंक्लूडिंग इंडिया, राइट? सो ये जो US के इलेक्शंस होने वाले हैं उसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स में क्या असर होगा, मतलब पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा? काफी असर होगा. पहले तो मैं, मेरे हिसाब से डेमोक्रेट्स फिर से जीतने वाले हैं. और मैं क्यों बोलता हूँ, वैसे मेरे इलेक्शन प्रिडिक्शंस काफी सारे रॉन्ग निकलते हैं, बट हाँ तो बताओ, देन वी विल थिंक अबाउट दिस कि अच्छा ये गलत होगा. सो आई प्रिडिक्ट, जो बंगाल में जो स्टेट इलेक्शन हुआ था बिल्कुल सही हुआ था. ओके, पर जो पिछला मैंने माना था कि ट्रंप फिर से आएगा, ही लॉस्ट इट. एंड it really wasn't because of the vote, it was because of the level of electoral manipulation and media manipulation that happened. maine kabhi bhi media manipulation, twitter itna manipulate karega, facebook itna manipulate karega, youtube itna manipulate karega, maine socha bhi nahi tha. aur hindustan mein agar wo kare usko ghanta effect padta hai, kyunki log twitter ke aur youtube ke policies ke तहत nahi vote karte hain. बट दिस टाइम इट विल बी अ डेमोक्रेट, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने इतना इंस्टीट्यूशनल सबवर्जन किया है और इंस्टीट्यूशनल कैप्चर किया है कि आई थिंक इट इज नाउ इम्पॉसिबल फॉर अ रिपब्लिकन टू विन. ये किस्म से पूरा सिस्टम हड़पा गया है. अमेरिका में अभी फ्री और फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करके तबाह किया जाएगा. नाउ इसमें अगर मैं सही निकला और एक डेमोक्रेट निकला तो ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा. शायद और भी अमेरिका का जो बहुत डरावना साइड है वो उभर के आएगा, इंटरफेयरिंग इन मोर कंट्रीज, क्योंकि ये एक किस्म से फनेटिक्स को एनकरेज करता है जो रेजिम चेंज में ये करते हैं, जो दूसरे देशों में जाके उनकी सरकार बदलते हैं. ये सब अगर एक रिपब्लिकन हुआ तो एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा कि अमेरिकन आइसोलेशनिज्म बढ़ेगा, कि अमेरिका बोलेगा कि भाई ये फॉरेन के प्रॉब्लम्स हमको चाहिए ही नहीं, और वो पीछे हटता जाएगा. और आपने ये भी देखा था कि ट्रंप ने मिडल ईस्ट पीस के लिए इतना सारा कर दिया जो पहले जो 15-20 प्रेसिडेंट थे कर नहीं पाए थे. जो 70 साल से अमेरिका नहीं कर पा रहा था वो ट्रंप ने 2 साल में करके दिखा दिया, है ना. और लोग इसी वजह से ट्रंप को इतना हेट करते हैं, क्योंकि जो सारे विद्वान जो और थिंक टैंकर जो अमेरिका में बैठे थे DC में, वो सब बोलते थे सर यू कांट रियली सॉल्व इजराइल पैलेस्टाइन, यू नो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स शेड्स ऑफ ग्रे. ये जो राहुल गांधी जैसे एडवाइस सुनता है ना, आप नीला या पीला साड़ी, नीला क्या होता है, पीला क्या होता है, इजरायली क्या होता है, फिलिस्तीन क्या होता है, फिलिस्तीन के अंदर उसकी आत्मा जो है. ट्रंप ने क्या बोला, भाई छोड़ अमेरिका,
ये मैंने कर दिया ना, अब छोड़ दिया. एंड इट ऑल वर्क आउट. दे हेट हिम फॉर इट. उन्हें पूरे कॉम को बुद्धू दिखाया है. यस, दिस इज द सेम रीजन पीपल हेट मोदी. उन्हें सब बोला था कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं सोच सकता था, सॉल्व ही नहीं सोच सकता था. आजकल टेरर अटैक होते हैं बट द स्टेट ऑफ इंसर्जेंसी इज फिनिश्ड. आजकल आप जाके, पहले तो आप पिकनिक भी नहीं कर पाते थे उधर, आज आप जाके आराम से, मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ लाल चौक में जहाँ वो क्लॉक टावर है उसके पास टिंडेल बिस्को है मेरा पुराना स्कूल, उधर ही उन दिनों में हम ऐसे ही चलते थे रास्ते पे, दूर दूर तक शंकराचार्य हिल पे अपना ये पिकनिक बास्केट ले जाके पिकनिक करते थे. जो नदी बहती थी उसमें अपना बियर का बोतल चिल करके वीकेंड पे पिकनिक करते थे. यू कैन डू दैट अगेन नाउ. इंसर्जेंसी इज ओवर. टेररिज्म अगले मे बी 10 साल तक चलेगा बट इट विल बी स्पोरैडिक टेरर अटैक्स. बहुत बड़े अटैक्स भी होंगे बट इट इज नॉट अ स्टेट ऑफ इंसर्जेंसी. सो जो असर पड़ेगा, एक आइसोलेशनिज्म है अगर रिपब्लिकन्स जीते, और अगर डेमोक्रेट जीते बहुत ही ज्यादा इंटरवेंशनिज्म होगा. आई डोंट नो ऑनेस्टली व्हाट आई प्रेफर. जो मेरे में जो अमेरिका के लिए जो अच्छे फीलिंग्स हैं वो प्रे करता है कि एक रिपब्लिकन जीते, और हर इंडियन के अंदर वो थोड़ा एंटी अमेरिकनिज्म होता है ना, उसमें मेरे को लगता है कि भाई बाइडेन से भी बेहतर एक बिल्कुल ही डिरेंज इल्हान ओमार जीत ले ताकि अमेरिका का सत्यानाश जल्दी से हो जाए. ये लगता है कई कई बार है ना. अभिजीत, अभी जो यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे 2024 में, व्हाट डू यू थिंक कि यू नो व्हाट चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे जो भी प्रेसिडेंट बनेगा? कि उनका देश इतना डिवाइडेड हो गया है. इंडिया में देखेंगे एक किस्म से इस वेरी सरप्राइजिंगली यूनिटी बन रहा है, जो हिंदू कंसोलिडेशन हो रहा है, कि लोग आजकल कास्ट नहीं देखते हैं, वो हिंदू पहले देखते हैं. जो हमेशा हिंदुत्व का ये था, हिंदुत्व बहुत एंटी कास्ट है, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा. वेर इज अमेरिका और हिंदुस्तान में वो सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट नहीं होता है लोगों पे, क्योंकि हिंदी सोशल मीडिया उतना नहीं होता है, व्हाट्सएप पे होता है, और वो भी जो ग्राउंड से कनेक्टेड है वही चलता है. अमेरिका में सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया क्या होता है ये हमने बहुत पहले जब हम टेररिज्म स्टडीज कर रहे थे हमने देखा था अलकायदा में अर्ली लेट 1990s में, जब बहुत फ्लेजलिंग, आपको याद है वो डायल अप इंटरनेट होता था, डिंग डिंग और फिर कनेक्ट होता था और बहुत स्लो से इंटरनेट चलता था. उसी टाइम वो क्या कर रहे थे कि हमने देखा था इंटरनेट में जिनका ज्यादा एक्सट्रीम व्यू पॉइंट से वही चलता है और पोलराइजेशन हो रहा था. अमेरिका में इतना पोलराइजेशन हो गया, मैं तो मानता हूं कि अगर सिविल वॉर नहीं तो जरूर कोई सिविल इंसर्जेंसी का, बहुत ही खतरनाक सिविल इंसर्जेंसी होने वाला है. एंड दैट इज माई रियल फियर. एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि उस वैक्यूम में कौन आता है? हमको अमेरिका कितना अच्छा था तब तक नहीं पता चलेगा जब तक अमेरिका गिरे ना, और फिर हम पछताएंगे कि अमेरिका गिर गया. वैसे लिबिया के लोग और इराक के लोग नहीं पछताएंगे, पर बाकी के जो लोग थे हम पछताएंगे, क्योंकि उस वैक्यूम में कौन आएगा? चीन. और जैसे मैंने आपको पहले बोला था, मेरे को बिच्छू राज नहीं चाहिए, चीन का राज बिच्छू राज है. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है. तो थैंक यू अगेन. इन स्पाइट आपके पैर पे लगी हुई है, यू गेव अस योर टाइम, और तीन फ्लोर चढ़ना भी पड़ा मेरे टूटे हुए पैर पे, बट थैंक यू सो मच राविया. आपके साथ बात करने में मेरे को बहुत ईज, आई मीन आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग इन हिंदी, बट फिर भी बहुत इजी था. हां यस, सो थैंक यू व्यूअर्स, एंड कीप वाचिंग. एक्चुअली मेरे को हिंदी में गाली देने में बहुत अच्छा लगता है, पर आपने पूरा
पॉडकास्ट मैंने बिना गाली दिए, हाँ मैंने एक भी गाली नहीं दिया और पॉडकास्ट पूरा हिंदी में। हाँ हाँ, आपको पता है ना मेरा नाम है कालिदास। काली जो कालिदास संस्कृत लिटरेचर के लिए थे वो मैं गालियों के लिए हूँ। हिंदी बहुत लोग बोलते हैं कि जो मैं हिंदी और अंग्रेजी में जो मैं गाली निकालता हूँ वो क्या आप घर पे बनाते हैं अपनी गालियाँ? हाँ, तो वो सरस्वती मेरे जीप पे बैठी हैं कि इतनी सुंदर सुंदर गाली निकले। मैं सोच रही सरस्वती नहीं, आंटी सरस्वती, आज गालियाँ कैसे नहीं निकली है। हाँ, I was thinking that, मैंने सोचा भाई शो तो बड़ा अच्छे से हो गया। कोई गाली गलौज नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, इतने सभ्य तरीके से ये शो हो गया आज का। हाँ, और मैं डिसेंट ड्रेस भी पहन के आया, क्रॉस ड्रेस करके नहीं आया। चलो अगली बार मैं भी साड़ी पहनेंगे और आप भी साड़ी पहनेंगे, ठीक है। और जो इस बार में आएंगे मैं सिल्क साड़ी पहन के आएंगे और आपसे 15-20 गुना ज्यादा बड़ा बृंदा कराट जैसे बिंदी पहन के आएंगे। You know, there is people call on the social media पे ये चलता है red dot या red bindi, वालों को कुछ कहते हैं, don't remember, but I don't know. अच्छा ऐसे कुछ है, ठीक है ठीक है, okay. There is some activity जहाँ लोग बोलते हैं कुछ तो these ladies who put red bindis. Yeah. Okay. Nice. Some category there. अच्छा, yeah. I need to find out about this. ये बहुत important है. So thank you again. A lot of conversation जो कहते हैं pending है, जिसके बारे में कई सारी बातें करनी है। So for our viewers, keep watching Lifey Talks and ये जरूर कहेंगे कि आप हमें अपना time दीजिए, हम आपको ढेर सारा ज्ञान देंगे। So thank you. Thank you.